मित्रों आज मैं खुश हूँ, फ्रेंड्स टुडे आई एम हैप्पी और भावुक हूँ, एंड वेर इमोशनल 15 साल पहले, बिकॉज 15 years back इसी तारीख को, एट द सेम डे 27 मई 2006 27 मई 2006 फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च का उद्घाटन हुआ। एक्स फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च वॉज इनॉग्रेटेड और मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो उद्घाटन क्या हुआ। I will tell you how the inauguration took place. एक आगाज था, एक घोषणा थी, एक शुरुआत थी आने वाली उद्धार की लहर जो इस बिल्डिंग के द्वारा पूरे देश विदेश में पहुंचने वाली थी। And I will tell you that was a feeling, an excitement, an announcement from here onwards, a ministry is going to begin. जिसका पता मुझे खुद उस वक्त नहीं था। I myself did not realize that moment. मुझे लगा चर्च ये बिल्डिंग। I thought church and this is the building. लेकिन आने वाले इन 15 सालों में ईश्वर ने ये बात प्रकट की है। But in the coming years, the Lord revealed. चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन इन 15 सालों में इस बिल्डिंग से पूरी दुनिया में बाहर निकलना यह चर्च था, यह बुलाहट थी। And church was not just the building, but it was that God was telling from here onwards the ministry will expand and the work will begin. आज न जाने कितने सेवक, कितने पास्टर तैयार हुए इस बिल्डिंग में से। And so many pastors and leaders have been turned from this building in the last 15 years. कई चर्चेस की स्थापनाएं हुई। Many churches were established. हमने एक चर्च क्या खोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भारत देश के कई जगहों पर नए चर्चेस की शुरुआत कर दी। We just opened one church in this place, but many churches will open in all over India through Acts Foundation. ईश्वरीय योजना है। This is a godly plan. योजना केवल इसकी थी। My plan was only of this. लेकिन उसकी योजना जगत को उल्टा पुल्टा करने की है। But his plan was to turn the world upside down. आज खुश हूँ। But I'm happy. और रात में बहुत रोया भी मैं। Even at night I wept. प्रभु को धन्यवाद देते देते क्या? Thanking the name of the Lord. क्योंकि उसने हमें अब तक संभाला है क्या? Because he has taken care of us till now. उस मकाम पर लेकर आया जिसकी योजना मैं कभी खुद नहीं बनाता। And he has brought us to that position which I have never thought about. 27 मई 2006 को जो जो हुआ था, 27 मई 2006 whatever happened, उसी को आज मैं दोहराने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। I just try to repeat and recollect those things. मैंने वीडियो देखी। I saw the video. बहुत सारे पास्टर्स उस वक्त मौजूद थे। Many pastors were present during that period. पूरे भारत से, महाराष्ट्र से। From all over India, Maharashtra. और उसमें से एक्स फाउंडेशन और हमारे परिवार के अजीज अब्बास खान थे, रेवरेंड सुनील जयपुरी। And our beloved and our family friends, oh Pastor Reverend Sunil Jaipuri. और उन्हीं के कंपोज किए हुए ये प्रसिद्ध गीत में से एक गीत मैं आज गाऊंगा। And among his composition, one of his famous songs I'm going to sing for you. आप कह लीजिए ये गीत बाद में इस देश का मानो मसीहों का नेशनल एंथम बन गया, राष्ट्रगीत बन गया। And you can say rather like this song which he sang, it became like a national anthem or song of Christian people. इस गीत के ओरिजिनल कंपोजर रेवरेंड सुनील जयपुरी यहाँ मौजूद थे। And the original composer of this song and lyrics, रेवरेंड सुनील जयपुरी was present in this place. आज वो हमारे बीच में नहीं है। Today he is not there in midst of us. प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। God called him to himself. जयपुर से ही पास्टर सिविल जॉनसन मौजूद थे, उनका भी एक खूबसूरत सा गीत मैं गाने जा रहा हूँ आज जो उस वक्त हुआ था। And Pastor Cyril Johnson from Jaipur, even is one of his beautiful song I'm going to sing for you. Reverend David Pradeep Morar यहाँ पर मौजूद थे। Reverend David Pradeep Morar was present in this place. जहाँ से उन्होंने प्रचार किया मैं वहीं से उसी शास्त्र पाठ से मैं भी प्रचार करने जा रहा हूँ। And from the scripture which he preached, the same scripture I'm going to preach to you today. उन बातों को मैं याद करने जा रहा हूँ। I want to remember all those things. और साथ ही मैं आपको बताऊँ कि दिग्गज पवित्र आत्मा से भरे हुए रेवरेंड दिलीप ठोमरे यहाँ पर मौजूद थे। Anointed, filled with the Holy Spirit, or Reverend Dilip Thombre was in this place. और उस वक्त उन्होंने भविष्यवाणी की थी हमारे लिए, वो भी मुझे याद है। Even whatever prophecy he made for us, I remember that. मेरे भाई मेरी बहन,
My brothers, my sisters. आज वो भी इस दुनिया में नहीं, रेवरेंट डेविड मुरार भी नहीं, रेवरेंट सुनील जयपुरी भी नहीं. और जब मैं उस वीडियो को देखता, बहुत सारे लोग जो उस वक्त थे, मेरे गुरु पंडित विनायक थोरात और बहुत सारे सेवक आज इस दुनिया में नहीं जो उस वीडियो में थे. लेकिन जो कुछ भी हो, आज उनने हम पे जो छाप छोड़ी है, उसको मैं अपनी पीढ़ी और उसके बाद आने वाली पीढ़ी में मैं आगे लेकर जाना चाह रहा हूँ. आइए ईश्वर की इबादत करें, आराधना करें, लेकिन उसके पहले हम दुआ करें. पास्टर डॉक्टर अर्चना आज का इस विशेष सभा में प्रार्थना अगुवाई करेंगे. आने वाले दो दिन ये अद्भुत दिन है, और कलिसिया को बोध करते हुए हर विश्वासियों के लिए ये दो और आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट मैसेज है. लेकिन आज का वचन भी आपके लिए, खास करके एक्ट फाउंडेशन पोर्टर्स ऑफ चर्च, 15 सालों में शायद आप उस वक्त नहीं थे, लेकिन आज यदि चर्च से जुड़े हो तो आपके लिए आज का वचन है. लेकिन आइए हम दुआ करें. पास्टर डॉक्टर अर्चना. Close eyes and prayer. Our Heavenly Father, today we come before you, Lord. We come near your feet, my God. When we look back to this last 15 years, my God, we can just tell, my God, you are wonderful and you have taken care of us. You have carried us, my God, as you took care of the Israelites, carried them. You have carried this ministry at Foundation Potter's House Church. Lord, we thank and praise your name. We are grateful to you, my God, for each and everything you have done to us, Lord. Let people recollect, remember all the things you have done for us, my God, which was impossible, which was hard and difficult, but you made it possible, Lord. You were with us, my God, leading and guiding us through your Holy Spirit, especially your servant, my God, oh Reverend Dr. Vinay Dubey, Heavenly Father. Oh, you took care of him. You guided him in each and every moment. You brought him in this place in this 15 years, my God. Many ups and downs came, my God. But Lord, you gave that strength, that spirit, or that power to overcome every difficult situation and stand for your glory in any circumstances, my God. Oh, we lift and praise your name, my God. And as your word will come to each and every of your people, the church congregation, ex-foundation family, my God, I pray you touch each and every person from the smallest to the eldest, my God. Help us to understand your plan and vision through your servant, my God, because you have kept the shepherd over us to lead and guide us and to take us to the land of Canaan, my God. Oh Lord, speak to us, Lord. Help us to hear your words. Open our hearts, my God. And Lord, you give us that word, holy word for us today, my God. Speak to us through your servant. Take charge of him. Thank you, Lord. And I believe, oh, we are excited to hear your word, my God. We are excited to stand for you, my God. Thank you, Lord. Bless the people as they hear. Open their hearts and mind, my God. Thank you, Lord. We commit our spirit, all the congregation in your hands, my God. In the name of Jesus, I pray. Amen. वो खूबसूरत गीत जो इस देश के राष्ट्रगीत मसीहों का कह लीजिए बन गया, ओरिजिनल इसी जगह पर ओरिजिनल म्यूजिशियन के साथ अजीज भाई थे क्लैरिनेट पे बजा, हम तो उसको आज कीबोर्ड पे ले रहे हैं. लेकिन उसी दिन को याद करते हुए दो गीत उस दिन जो हुआ था वो मैं इस वक्त गाना चाह रहा हूँ. शुरुआत करते हैं तेरी आराधना करो.
शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी तू ही महा सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी हृदय के श्रेणी जन का आज का मेरे संदेश का यही शीर्षक है। Today the title of my sermon is परमेश्वर का मंदिर है। Temple of God। ये बना ही इसलिए ताकि हम खुदा के साथ जुड़े रहे। This was built so we could be connected with God। This is a connecting place where believers can connect to their Almighty God। ये वो जगह है जिससे हम अपने सर्वसमर्थ खुदा को जुड़ सकते हैं। पुराने नियम में इसे मिलाप वाली जगह कहा गया। The Old Testament, this was called the tabernacle of meeting। और ये वो जगह है जहाँ मिलाप होता है, मिलाप वाली जगह है। And this is a place where meeting takes place. This is a meeting place where we can meet our Almighty God. Somebody will say, Amen. क्या ये अद्भुत नहीं? Is not this wonderful? प्रभु ने विस्तार किया। The God expanded. आज दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे होंगे। I'll be speaking in any corners of the world today. लेकिन आज भी यह मिलाप वाली जगह है। टुडे ऑल्सो दिस इज अ मीटिंग प्लेस। हम यहाँ से आपको आप जहाँ पर भी लंदन में बैठे, आप कतार में बैठे, दुबई में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, केनिया में बैठे, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के किसी भी कोने में बैठे, या पुणे के किसी कोने में आप बैठे होंगे, लेकिन स्टिल आज भी वो जगह जो प्रभु ने उस वक्त दी थी वही है मिलाप वाली जगह, अ मीटिंग प्लेस। कैन यू इमेजिन पास्टर कि हम लोगों को बदलते हुए देखे, लेकिन 15 साल पहले ईश्वर ने जब ये जगह हमें दी थी उसको मिलने के लिए, वो खुदा और उसका पर्पस, उसका उद्देश्य आज भी नहीं बदला। स्टिल दिस इज अ मीटिंग प्लेस। चाहे वो स्टूडियो बन गया हो, कोई है जो कहेगा अमीन। 15 साल पहले इसी मंच पर पास्टर सिल जॉनसन बिल्कुल यहीं पर खड़े थे। 15 years back on the same stage, Pastor Cyril Johnson was standing in this place right here. और पहले रेवरेंड सुनील जयपुर ने यहीं से ये गीत यहाँ से गाया। रेवरेंड सुनील जयपुर sang a song from right from this place. मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर अजीज भाई क्लैरिनेट पे, क्लैरिनेट एक 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 ट्रम्पेट जैसा, एक बांसुरी कह लीजिए, लेकिन एक अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है लेकर अजीज भाई यहाँ खड़े थे। एंड वेयर आई एम स्टैंडिंग, ओ ब्रदर अजीज वाज स्टैंडिंग देयर विद द क्लैरिनेट प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। एक मुसलमान पर एक ऐसा फनकार जिसने हजारों मसीह गीत में अपने फनकार, अपने अपने कलाकारी का उन्हें पेश किया। Muslim brother, but through his music, he played many Christian songs and gave glory to God. Original is teri aradhana mein unhone bajaya. In teri aradhana, original music he has played. Aur wo yahin par khade the. He was standing in this place. Uske baad isi jagah par, yahan par, ab Pastor Cyril Johnson aaye. And
एंड सेम प्लेस पास्टर सिरिल जॉनसन केम। मुझे लगा कोई पुराना गीत उनका फेमस, अपनों को तो इस दुनिया में या ऐसे कुछ गीत हो गाएंगे। एंड आई थॉट द फेमस ऑफ हिज सॉन्ग्स लाइक यू नो दैट लव योर नेबर्स अपनों को, आई थॉट ही विल सिंग दैट सॉन्ग। दिस इज हिंदी सॉन्ग, अंग्रेजी में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन वो हिंदी सॉन्ग है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाते, लेकिन मुझे लगा कि अब या मैं मसीह के खून में भीगा हुआ डूबा हुआ इंसान, बड़ी शानदार गजलें थी। मुझे लगा सिरिल भाई वो गाएंगे। I thought, you know, his famous songs, you know, he'll sing those songs, Pastor mentioned. और मुझे लगा वो तबला बजा के गाएंगे, क्योंकि वो तबला बजा के गाते थे। And I thought he'll play the tabla music and then he'll sing the song, but he never did that. लेकिन वो हारमोनियम पे आया। He came in harmonium. और ये खूबसूरत गीत उन्होंने गाया। And he sang this beautiful song. ये उसको उसने पहली बार सुना। At that time, first time I heard this song. मुझे यकीन है पास्टर सिरिल आपसे ये गीत सीखा, इसको आगे लेकर जा रहे। आज हजारों नहीं लाखों लोग इस गीत को जानते हैं, केवल आपकी बदौलत। नॉट ओनली थाउजेंड्स ऑफ पीपल नो दिस सॉन्ग। मैं वीडियो देख रहा था, आई वाज वाचिंग द वीडियो, मैं वीडियो देख रहा था और मैं ताजुब हुआ कि इस पे ओरिजिनल उस वक्त मैंने तबला बजाया है। And I was watching the video and original that time I played tabla on this song. मैं कोशिश करूंगा कि इसकी डॉक्यूमेंट्री आपको इस पूरा गीत दिखाया जाए। And I will try my heart to show the complete documentary and all these things. थोड़ी वीडियो खराब हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनल तबला मैंने बजाया। And some videos have been spoiled, but the original tabla I played that time. इसी जगह पर मैं बजा रहा था। The same place I was playing tabla. बड़ा खूबसूरत संगीत है। Very beautiful song it is. लोग गाते यीशु जैसा कोई नहीं है, लेकिन ये वो गाना है यीशु जैसा कोई नहीं, लेकिन वो वाला नहीं जो आप गाते ड्रम सेट पर या बोंगोस पे, हम भी गाते, लेकिन ये वो गीत है जो हमारे अंदाज में एक्स फाउंडेशन और मैं बचपन से इसी म्यूजिक को फॉलो करता आया हूँ। और दिग्गज लोग थे, बड़े बड़े कलाकार थे, और उनसे सीखने का मौका मिला। खुश हूँ, बढ़िया गीत है। आइए खुदा की इबादत के लिए हम आपके लिए गाएंगे और आप हमारे साथ मिलकर गाइए। लेकिन आज ये गीत पूरा आपको सुनने को मिलेगा। अक्सर मैं इसको पूरा नहीं गाता, लेकिन आज सुनने को मिलेगा। आइए यीशु जैसा कोई नहीं है। दूर करे वो
दुख में मेरे साथ रहे वो, सब रोगों को दूर करे वो, मन को मेरे हर्ष करे वो, दुपति नैया पार करे वो, दुपति नैया पार करे वो, दोस्त प्रभु साथ जैसा हो, दोस्त प्रभु साथ जैसा हो, ताली बजाओ संग मेरे मिलकर, ओ यीशु की महिमा गाओ सब मिलकर, ताली बजाओ संग मेरे मिलकर, हाथ दुआ में उठाओ सब मिलकर, हृदय भेंट चढ़ाओ सब मिलकर, हृदय भेंट चढ़ाओ सब मिलकर, उसको छोड़ प्रभु उससे जैसा कोई, उसको छोड़ प्रभु उससे जैसा कोई, यीशु जैसा कोई, यीशु जैसा कोई। सभा में दिख लीजिएगा बाद में, अभी एंजॉय करिए। जग का कारण हार वही है, राजाओं का राजा वही है, ओ जग का कारण हार वही है, राजाओं का राजा वही है, फिर से आने वाला वही है, न्याय आसन पर बैठा वही है, ओ न्याय आसन पर बैठा वही है, आय प्रभु साथ है, क्लोर थैंक यू जीसस फॉर दिस चर्च राइट नाउ, इस मंदिर के लिए तेरे नाम को धन्यवाद, 15 साल की यात्रा के लिए धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, यू आर अ वंडरफुल जीसस, यीशु जैसा And this 15 years we're going to remember. मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, I'm not able to stop myself. मेरी योजना तो ये थी ही नहीं, This was not my plan.
मैं तो इतना दूर की सोच ही नहीं रहा था। I could not sing such a far thing. 27 मई 2006 को मुझे लगा कि उद्घाटन हुआ है। 27 मई I thought now the inauguration has taken place. बस इसी चर्च में सेविकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। God has called me to serve in this church. और यहीं पर रहेंगे। I'll stay here. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन। But my brothers, my sisters. धीरे 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 हर साल प्रभु अपनी योजना प्रकट करता है। Gradually, each and every year, the Lord revealed His plans. मैंने अनुभव किया। I experienced. जिस खुदा के मैं सेविकाई करता हूँ। That Lord who I serve. वो योजनाओं का खुदा है। He is a God of plans. आपके पास योजना नहीं है। You don't have plans. उसके पास आपके लिए योजना है। He has plan for you. मुझे नहीं मालूम था। I did not know. आइए अपनी आँखों को बंद रखें। मुझे नहीं मालूम था। Keep eyes closed. I did not know. कि मुझे क्या-क्या करना है। What all I should do? वो मेरा मार्ग बना। He became my way. वो इस ministry का मार्ग बना। He became the way of the ministry. ना जाने कितने लोग अपना मार्ग भटक गए थे। Oh, so many people had wandered away from the way. कई लोगों को वो सच्चा चरवाहा मालूम नहीं था। Many people did not know the true shepherd. लेकिन ये मंदिर हमारा वो मार्ग बना जिसने लोगों को मार्ग पर लाने का काम किया। But the temple became that way which brought many on the right path. मेरे भाई मेरी बहन। My brothers, my sisters. मुझे नहीं मालूम था। I did not know. मुझे लगा मैं अकेला से भी कई करूंगा। I thought I alone will serve. लेकिन 15 सालों में गया। But in this last 15 years. ना केवल प्रभु ने यहाँ से कई सेवकों को पास्टरों को खड़ा किया। Not only many pastors stood up in this place. कई लीडर्स को अगुवों को खड़ा किया। Oh, many leaders. लेकिन 2012 में हमारा बाइबल कॉलेज बना जिससे कई पास्टर प्रभु की सेविकाई के लिए खड़े हुए और होंगे। 2012 ओ आवर बाइबल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एंड मेनी पास्टर्स एंड लीडर्स केम आउट टू सर्व। हमने एक चर्च बनाया। वी बिल्ट इट वन चर्च। लेकिन प्रभु ने इस चर्च को बहुत सारे चर्च बनाने का माध्यम बनाया। But God made this church a means to make many, many churches. सच पूछिए गीत गाते वक्त। Singing this song. मैं रेवरेंड ट्विटर तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि यीशु के जैसा कोई नहीं है। Hi, Reverend Ritter, तुम्हें want to say there is no one like my Jesus. कई आए कई चले गए। Many came, many went away. बड़े बड़े वायदे किए गए। They promised big promises. लेकिन But, आज मैं यह कहूंगा कि हाँ क्रिस्ट प्रभु सा दूसरा कोई है ही नहीं। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस चर्च। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस चर्च। आइए विश्वासियों ओ बिलीवर्स अपने घुटनों पर आ जाएंगे। come upon our knees. प्रभु को धन्यवाद देंगे। Let's thank the name of और the Lord. कहेंगे प्रभु हाँ लॉर्ड यस यीशु जैसा कोई नहीं है। घुटनों पर आकर उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है। उसके जैसा कोई नहीं है। यस लॉर्ड इस प्लेस हम इस जगह पर हैं यह कहने के लिए कि तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। आज प्रभु ये तेरा मंदिर है और प्रभु इस मंदिर से तेरी वाणी लोग सुने ऐसा होने दे। यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुन ग्रहण कर सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे आमेन। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank the name of the Lord. आइए आज का वचन जो आपके लिए है। Today's scripture which is there for you. पास्टर क्लेरा मुझे कह रही थी कि ये गाना मैंने लोगों में बताना चाह रहा हूँ कि what is discipleship शिष्यत्व क्या होता है और मुझे लगा कि ये टाइम है कि मैं बता दूं। तुमने कहा आप इतना लो कॉर्ड क्यों ले क्योंकि मैं हमेशा हाई कॉर्ड पे मैं गाता हूँ उसकी भी वजह है। Now, always I sing in a high chord, but today I sang this song in low chord. You know, I want to explain what is a real discipleship. इस opening के पहले जब Pastor Cyril यहाँ पर आए थे, उसके कुछ मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले वो भी पुणे में फिर आए थे।
And before that, Pastor Sunil Jaipuri had come in this place. Before that, 7-8 months before he had been in this place. और सब ये गुरुजन हैं उनके साथ बजाने का मौका मिलता है बहुत बड़ी बात थी. And all these are masters in their field, and playing with them is a great thing. तो हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, एक सिंगिंग प्रोग्राम रखा और हम लोगों ने उसमें प्रेजेंट वर्शिप की गाना गाया. उसके बाद पास्टर सिरिल को मैंने मंत्रित किया, वहां पे हमने बहुत सारे नए नए गीत उन्हें गाए. जीवन डोर तुम संग बांधी और ये सब गीत हमने वहां पे उनसे सुने. और बाद में जब हम घर पर आए तो पास्टर सिरिल मुझसे बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मैंने भाई मैं एक चीज बात बताऊंगा. और मैंने कहा बताइए बिल्कुल. और एक गुरु की तरह उन्होंने मुझे बताया कि गाना अपना गला खराब मत करिएगा. तो उन्होंने कहा कि लो पिच में सो गाइएगा. तो मैं सोचा कि चलिए गला खराब होना नहीं होना तो ईश्वर के हाथ में है. और जब आत्मा में आ जाते हैं तो फिर कई बार लगता है कि चलो जो है वो उसमें ऊंचे स्वर में करो तो हम लोग तो उसको फॉलो करते हैं. लेकिन जब मैं उनका ये गीत गा रहा था तो मैंने सोचा कि उनकी बताई हुई एक सीख मैं फॉलो करूं. और कई बार आजकल मैं पिछले बहुत सालों में अब मैं लो गाने गाता हूँ जब मेरी बात आती है सोलो में आती है तो. और कव्वाली आती है तो बात अलग हो जाती है. लेकिन मैंने सोचा उनका एक फॉलो कर लेता हूँ, उनका गीत गा रहा हूँ कम से कम उसकी सीख. तो ये गाना मैंने लो ले लिया, बहुत 2-3 नोट्स मैंने उसको लो लिया, उसको मैंने गाया. मैंने 3 स्टैंजास यहाँ पे गाए, उसको आप बिल्कुल लिख लीजिए, उसको गाइए. बड़े खूबसूरत से गीत है, उसमें से एक गीत मैंने गाया. और खुदा का कलाम मैं वही पढ़ने जा रहा हूँ, वही बोलने, वही शास्त्र पाठ मैंने चुना है. कई बार एक ही शास्त्र पाठ एक ही पैसेज से अलग अलग सेवक बोलते हैं, तो मैं मुझे मौका मिला मैं भी बोलूंगा. लेकिन शास्त्र पाठ वही है जो रेवरेंड डेविड मुरार ने ओपनिंग स्पीच में दिया था. बातें वही है जो बाइबल में लिखी हुई है. तो आज 2 शास्त्र पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं. इसके पीछे भी मैं सोचता पास्टर 15 सालों में I'm thinking 15 years have passed. बहुत सारे बेहतरीन संदेश पुलपिट पे से आए. Lot of beautiful and best sermons has come from this pulpit. चाहे वो पुलपिट यहाँ पर हो या बाहर ऑडिटोरियम में हो. The pulpit might be in this place or out in the auditorium. और मैं सोच रहा था ये चेंज ये कैसे आया. How this change came. 2006 से चेंज आया, राइट? From 2006 this change came. क्योंकि उद्घाटन में ही इतना बढ़िया शास्त्र पाठ, इतना बढ़िया प्रचार रेवरेंड डेविड मुरार ने किया. शुरुआत ऐसे हो गई तो आगे तो मिनिस्ट्री में बढ़िया संदेश आने ही थे. And the beginning itself was such a great, and with the scripture and the sermon, further the ministry will surely be great. तो आज आपके लिए 2 संदेश हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वही शास्त्र पाठ पर मैं बोलूं और संदेश के लिए प्रभु ने मौका दिया बोलूंगा. पहला इतिहास 22 अध्याय लिख लीजिएगा. पहला इतिहास 22 अध्याय 1-11 और 14-16. और पास्टर केवल पहला इतिहास 22 अध्याय 1-5 पढ़ेंगे. उसके बाद दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1-14. दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1-14. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. पहले वाले में मैंने खाली 5 आयतें पढ़ने के लिए कही, बाद में पूरा पढ़िएगा. इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में वो वचन बैठना चाहिए. फिर मैं जब बोलूंगा वो आप समझ पाओगे. पास्टर क्लेरा विनती करता हूँ कि वे इसे पढ़ें. तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इज़राइल के लिए होम बलि की वेदी यही है. तब दाऊद ने इज़राइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए 17 ठहरा दिया. फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की किलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती के पहाड़ देवदारू के पेड़ इकट्ठा किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लाए थे. और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्धि और शोभायम होना चाहिए. इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूँगा. अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की. दूसरा इतिहास 3:1-14. दूसरा इतिहास 3:1-14. शास्त्र पाठ ध्यान से सुनिए क्योंकि आप वचन को समझ पाओगे.
तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी योनान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को निर्माण कार्य आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसकी नींव इस प्रकार है, अर्थात उसकी लंबाई प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की ही। भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की। सुलेमान ने उसको भीतर से चोखे सोने से मढ़वाया। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सोनावर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और साकलों की नकाशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन के मणि जुड़वाए। यह सोना पूर्वेम का था। उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, देवड़ियों, दीवारों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनवाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी और उसने उसे 600 की कान चौके सोने से मढ़वाया। सोने के किलो का तौल 50 शकेल था। उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नकाशी के काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की दीवार तक पहुंचा हुआ था और उसका दूसरा पंख मिला हुआ था। दूसरे करूब का भी पंख 5 हाथ का और भवन की दूसरी दीवार तक पहुंचा था और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले थे और वे अपने अपने पांव के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंगनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब गढ़वाए। प्रभु इस वचन को आशीषित करें। आइए प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। Let's thank the name of the Lord. छोटी सी दुआ। Small. Hallelujah Jesus. Open our hearts, my God. Oh, to hear your word, receive it, my God. Let it be like a good ground which will hear your word and, Lord, bear fruit in 100-folds, my God. Speak to us, my God. Yes, we people of God are ready to hear your word, my God. Oh, Lord, thank you, Lord, because I know you have a plan and purpose behind this. Thank you, Lord, for this scripture. In the name of Jesus, I pray. Amen. आइए प्रभु के कलाम के पास में आपको लेकर जाऊंगा। I will take you to the word of God. ध्यान से सुनिए, यह कलाम आज एट फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च के लिए है। Listen carefully today, this word of God is for X Foundation Potter's House Church. दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे होंगे। Maybe you are watching me from any corners of the world. आप पॉटर्स हाउस चर्च से जुड़े हुए हैं। And you are connected to the Potter's House Church. यह वचन प्योरली शुद्ध आपके लिए आ रहा है। This word is coming purely for you. शास्त्र पाठ वही जो 15 साल पहले पढ़ा गया और उस पर प्रचार किया गया। The scripture is the same that 15 years back which was read and today also I made you read that. David Morar 15 साल पहले यहाँ से खड़े होकर बोल रहे थे। David Morar 15 years back from this place he was preaching on the scripture. तब ये खूबसूरत कांच का पुलपिट यहाँ पर नहीं था। Then this beautiful glass pulpit was not there. लेकिन आज मैं यहाँ से आपके साथ उसी शास्त्र पाठ से प्रचार कर रहा हूँ। Today from this place from the same scripture I'm preaching. शायद इसमें आपके लिए कोई प्रोफेटिक वॉइस होगी, आपके लिए भविष्यवाणी Might be some prophetic voice might be there for you from the scripture. Yeah. आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, लेकिन आपके कलीसिया के साथ जुड़े
हुए जीवन के लिए, नॉट फॉर योर पर्सनल लाइफ बट अ लाइफ कनेक्टेड विद द चर्च विद अ स्पिरिचुअल थिंग। चलिए थोड़ा सा बाइबल का इतिहास समझना जरूरी है। लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ बाइबल इज इम्पोर्टेंट। मैं चाहूं कि आने वाले समय में आप बाइबल की हिस्ट्री पुराने नियम को ज्यादा पढ़िएगा। एंड इन कमिंग टाइम वी विल ट्राई टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बाइबल। तो आप नए नियम को और आज के युग को बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातों के द्वारा अगुवाई की है। लास्ट नाइट द लॉर्ड डिड मी थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन मैं उनमें से कोई बात आपसे आज नहीं करना चाह रहा हूँ। बट ऑल दोस थिंग्स टुडे आई डोंट वांट टू स्पीक विद यू। आज की सर्विस को मैं स्पेशल रखने जा रहा हूँ। टुडे आई वांट टू कीप दिस सर्विस स्पेशल। और शीर्षक है परमेश्वर का मंदिर। द टाइटल इज द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का मंदिर। टेम्पल ऑफ गॉड। और क्योंकि मंदिर का उद्घाटन हुआ था। बिकॉज़ द चर्च वाज इन द गॉड। और न जाने कितने मंदिरों का उद्घाटन इसके उद्घाटन के बाद में 15 सालों के बीच में हो गया। न जाने कितने सेवक इस मंदिर के उद्घाटन के बाद इस दुनिया में खड़े हो गए, भारत में खड़े हो गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर का मंदिर ये रुकने वाली जगह नहीं, ये बाहर निकलने वाली जगह है। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे, तब तुम एक जगह पर नहीं लेकिन दुनिया के कोने कोने में यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और पृथ्वी के अंत तक जाओगे। दिस इज द टेंपल, वो मंदिर है जहाँ से खुदा ने हमें एक ही जिम्मेदारी दी है और वो आग के समान सुसमाचार फैलाने की और जगत को उल्टा पुल्टा करने की। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस परमेश्वर का मंदिर, द टेंपल ऑफ गॉड। तो सिर्फ ने मुझे बोलना पसंद आता लेकिन मैं एक ही बोलूंगा क्योंकि विशेष सभा है। I would love to preach this in two sessions, but today is special meeting, so in one session only I'll preach. दोनों भिन्न भिन्न संदेश है, भिन्न भिन्न शास्त्र पाठ से, लेकिन आज मैं इसी पर बोलूंगा। The two sermons are different, the references are different, but today I'm going to preach from this scripture. थोड़ा मंदिर के बारे का इतिहास हम समझे। We'll try to understand the history of the temple first. The Bible you कहती है यार। The Bible tells us. दोनों शास्त्र पाठ में मंदिर के बारे में, उसके निर्माण कार्य के बारे में सुना पड़ा। The two scriptures we read about the building of the temple and all the description of it. और मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहला इतिहास 22 अध्याय से। And I started with First Chronicles 22 chapter. अभी अभी शास्त्र पाठ आपके पास आया। The scripture just came to you now. हमने 5 आयत से पढ़ी, आप ज्यादा पढ़ लेना जो मैंने बताया है। Oh, we read the 5 verses, but you can read more than that. अब प्रभु के मन का एक राजा है जिसका नाम है दाऊद। एक समय डरे हुए इज़राइल को अपने खेमे से बाहर लाने वाला ये अगुआ है दाऊद। एंड दिस इज द पर्सन वंस व्हेन द इज़राइल्स वर हाइडिंग आउट, दिस डेविड ब्रॉट देम आउट ऑफ दैट। गोलियत के समय पूरा खेमा डरा हुआ था। ड्यूरिंग गोलियत टाइम ऑल द पीपल वर इन फियर। लेकिन सेना में उत्साह भरने वाला अगुआ है ये दाऊद। एंड दिस इज अ लीडर हु ब्रॉट एक्साइटमेंट अमंग द आर्मी। लेकिन इन्होंने बहुत सारी जीत हासिल कर ली क्या? एंड ही गॉट लॉट ऑफ विक्ट्री। लेकिन उसने बहुत सारी जीत हासिल कर ली क्या? बट ही गॉट लॉट ऑफ विक्ट्रीज। लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है। बट ही ओनली हैड वन पर्पस, कि परमेश्वर के मंदिर का निर्माण, द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर के मंदिर का निर्माण, बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ गॉड। बहुत सारे जीत हासिल की है यार। ही गॉट लॉट ऑफ विक्ट्री। लेकिन बट उसका विजन, उसका दर्शन है कि मंदिर बनना चाहिए। His vision was the temple of God should be built. आज चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ। Lot of just people are there in the church. जो सोचते हैं कि मंदिर बनना चाहिए यार। Who think the church should be built? कोई कहता गोखले नगर में बनना चाहिए। Some saying गोखले नगर the church कोई कहता हमारे मंगलवार पेट में बनना चाहिए। Some saying in मंगलवार पेट। कोई कहता हड़पसर में बनना चाहिए। Some saying in हड़पसर। कोई कहता पिंपरी चिंचवड़ में बनना चाहिए। Some saying in पिंपरी चिंचवड़। कोई कहता उड़ीसा में बनना चाहिए, मेरठ में बनना चाहिए, लेकिन मंदिर बनना चाहिए। अब इन तीनों दिनों में मैं सेवकों के लिए गंभीर बातें बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। Something very important for the souls of God. I want to speak. We are talking about King David, जो परमेश्वर के हृदय का मन का राजा है। ध्यान से सुनिए, आप किस खेत की मूली हो? Oh, you are one in front of King David, who was a man after God's own heart.
बात। मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ उसके पहले सुनिए सेवको, हम अपने आप को ग्रेट, अपने आप को महान मान रहे। दाऊद तो महान था, लेकिन ध्यान से सुनिए क्या। कहा कि मेरे मन का राजा है। अब जब दाऊद मंदिर बना रहा है, प्रभु ने कहा कि दाऊद तू मंदिर नहीं बना पाएगा। God said David will not be able to build the temple. History है, इतिहास है, आपको मालूम होना चाहिए। This is a history, you should know this. दाऊद तो मंदिर नहीं बना पाएगा। David will not be able to build the temple. ये तो वही बात हो गई है। It is like this. मूसा इसराइलियों को मिस्र से लेकर आया बाहर। Moses got Israel out of Egypt. बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए इजिप्ट में। He did lot of signs and wonders in Egypt. बाद में लाल समुद्र को दो भाग किया, आसमान से मन्ना लाया और पत्थर से पानी निकाला। नबो की पहाड़ी पर मूसा इस सोच में पड़ा हुआ है कि मैं कनान में जा पाऊंगा कि नहीं, और ईश्वर ने कहा मूसा नो, तू नहीं जा सकता। And the mouth of Nebo, he asked Lord, can I go in the land of Canaan? God said to him, no. खैर मूसा का पाप था अवज्ञा कर, मतलब आज्ञा न मानना। The sin of Moses was disobedience. और मेरे भाई मेरी बहन, my brothers my sisters, एक जगह पर मरीबा नाम की जगह पर उसने खुदा की आज्ञा नहीं मानी, मिनिस्ट्री की, लेकिन गुस्सा होकर की। And in one place he disobeyed Lord in Meribah, or he did ministry, but he was angry and God disobeyed. लोगों के लिए he took all wonders for the people. लेकिन अपने सीनियर, अपने पास्टर, अपने खुदा से नाराज है। But he was angry with the senior, his God. प्रभु ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में प्रभु ने कहा देख ले कनान को। And the Lord said to him, oh look at this land of Canaan. लेकिन तू वहाँ नहीं जा पाएगा। He will not be able to enter there. दाऊद विजन रखा, दाऊद ने विजन वॉज कैप्ट बाय डेविड। दाऊद ने कहा कि जीत गए, ये हो गया, गोलियाथ सब ठीक है भैया, कैंसर ठीक हो गया और बीमार चंगे हो गए, लंगड़े चले और अंधी आंखें खुली और प्रभु ने अद्भुत काम किया, सब ठीक है। लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट केवल खुदा के घर में है। क्योंकि मैं तो कहता था जब लोगों ने कहा कि आओ प्रभु के भवन को चले, तो मैं मगन हुआ, ओ मैं तो अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाता हूँ, और मेरा तो ये मानना है कि यहोवा मेरा चरवा है। उसकी तो सोच ही खुदा थी, खुदा थी और खुदा थी। उसने कहा मुझे राजमहल में नहीं रहना, मुझे तो परमेश्वर के भवन में रहना है, मुझे तो उसके चरणों में रहना है। और दिन में सात सात बार खुदा की प्रार्थना इबादत करने वाला ये दाऊद। तो मेरे भाई मेरी बहन, जीवन में एम क्या है, जीवन में उद्देश्य क्या है? राजा बन गया, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, आपका एम, आपका उद्देश्य क्या है? खर्च में आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। दाऊद के जीवन से सब कुछ प्राप्त कर लिया, एक मामूली से मैदान से ये मामूली सा चरवाहा और महल तक पहुंच गया। लेकिन इसकी सोच देखिए, उसने कहा कि मेरा एक ही विचार, एक ही दर्शन, मेरा एक ही एम, मैं परमेश्वर के मंदिर को बनाऊंगा। आइए इस 15 सालों में आज ये निर्णय ले कि हम गली गली मोहल्लों में वो खुदा के लोग चाहते हो या चीज जमा है, वो ये सुधरेगा, मैं जमा करूंगा, प्रभु का मंदिर बनेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? प्रभु चाहता है, the Lord wants, प्रभु का मंदिर बनाए। You will build his temple. लेकिन प्रभु ने दाऊद से कहा, God said to David, ध्यान से सुनिए, listen carefully, प्रभु ने दाऊद से कहा तू मंदिर नहीं बना पाएगा। God said to David, you'll not be able to build the temple. Sometimes it is very hurting, ये दुखदाई होता जब प्रभु किसी विजन को बोल भी रहा है लेकिन तू विजन कंप्लीट नहीं करेगा। Sometimes it's so hurting that God tells you the vision, but he say you will not fulfill that. कोई है मेरे साथ अपने हाथ को उठाने के लिए हालेलुया बोलने के लिए? Lift up the hands and say hallelujah with me. भाई मेरी बहन, brothers my sisters, मंदिर नहीं बना पाएगा। God said you'll not be able to build the temple. क्या करें? What should be done? क्या करें? What should be done now? रोते बैठे, or should we keep crying? रोते बैठे, should we keep crying? जोना की तरह नाराज होता है। जाना, you should get angry. मेरे भाई मेरी बहन क्या करेगा? What should be done? क्या करेगा? What should be done? क्या शाऊल की तरह आत्महत्या की कोशिश करेगा? Oh, like Saul should be committed suicide. मेरे भाई मेरी बहन, my brothers, my sisters, दाऊद उनमें से नहीं था।
David was not among those. अपने खुदा से इतना प्यार करता है. He loved his God so much. कोई नाराजगी नहीं गाया. Oh, he was not upset. कोई नाराजगी नहीं गाया. Oh, he was not upset with God. 15 सालों में गाया. 15 years. इतने बुरे बुरे अनुभव मेरे पास आए. I got such a bad bad experience. मैं आज तक खुदा से कभी नाराज नहीं हुआ. But I was never upset with my God. मैंने खुदा को ये नहीं बोला ये प्रॉब्लम आपकी सेवा कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आई. I never said God, I'm serving you, why this problem came. मैंने कहा कि प्रभु देख उसने ऐसा किया लेकिन थैंक यू तू ऐसा नहीं है यीशु जैसा कोई नहीं है. Sir, person has done this thing, but God, you are not like that. There is no one like my God. My brothers, my sisters. दाऊद ऐसा नहीं था. David was saying. दाऊद ने कहा मैं मंदिर नहीं ध्यान से सुनिए पास्टर लीडर हूँ ये हो सकता लेकिन सुनिए बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ. दाऊद ने कहा मैं मंदिर नहीं बना सकता. David said, I will not be able to build the temple. उसने कहा कोई बात नहीं है. He said, no problem. मैं मंदिर बनाने की तैयारी तो कर सकता हूँ. I will do the preparation to build the temple. आज दो ही बातें बताने जा रहा हूँ मैं क्या. Two things I'm going to tell you today. और पहला है मंदिर बनाने की तैयारी क्या. And for the preparation of the temple. हमने दो शास्त्र पाठ पढ़े क्या. We read two scriptures. और पहला है मंदिर बनाने की तैयारी क्या. And first was the preparation to build the temple. दाऊद ने कहा मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा नो प्रॉब्लम लेकिन मंदिर की तैयारी तो करूंगा. David said, no problem, I'm not going to build the temple, but I'll do the preparation. कुछ लोग 100 दिन की प्रार्थना में जुड़े हुए हैं. Those people are connected with 100 days prayer. लेकिन जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं संडे को आप जुड़े हुए नहीं हो. Oh, but for what thing we are praying Sunday, you are not connected. मैं गलती बताऊंगा आप प्रार्थना कर रहे 100 दिन रिवाइवल आए लेकिन जब एक्चुअल चर्च का दिन आता सैटरडे संडे उस वक्त आप मौजूद नहीं हो. मेरे भाई मेरी बहन. My brothers, my sisters. दाऊद ने कहा मैं तैयारी करूंगा. David said, I will do the preparation. दाऊद तैयारी में जुट गया. And David got in the preparation. और तैयारी करने लगा. Started doing the preparation. और उसने तैयारी की तो क्या तैयारी की क्या. And what preparation he has done. और मैं आपने सारे शास्त्र पाठ पढ़े मैं कोई वचन नहीं बोलने वाला सब वचन में लिखा हुआ है. And you read the scripture, everything is written down in the scripture. ये सारी बातें मेरे जहन में है. All these things are there in my mind. और पढ़ते वक्त आपको ये डेंजरस लगा होगा भयानक लगा होगा मुश्किल लगा होगा. But reading these things you might go, this is so difficult to understand. और उसने कहा कि कोई बात नहीं मैं तैयारी करूंगा. David said, no problem, I'll do the preparation. और वो तैयारी में जुट गया. And he got in the preparation. सबसे पहले उसने क्या काम किया मालूम है. The first thing what he did. उसने पत्थर जमा करने की शुरुआत कर दी क्या. He started gathering the stones. उसने पत्थर जमा करने शुरू कर दिएगा. मंदिर नहीं बनाऊंगा तो क्या हो गया पत्थर तो जमा कर सकता हूँ. उसने पत्थर लिखा और दूसरी ऐप में उसने पत्थर जमा करना शुरू कर दिएगा. और एक एक पत्थर उसने तराशने शुरू कर दिए. सबसे बड़ी बात है पत्थर तो आ गएगा. And the stones came. लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसने की लिखा है क्या. उसने जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर बनाने का जो पत्थर थे जो जमा कर रहा था उसको गढ़ने उसको तराशने वाले ढूंढेगा. पत्थर तो जमा किए हैं क्या. Oh, he gathered the stones. लेकिन तराशने वाले होने चाहिए क्या. But the messes to और मेरे भाई मेरी बहन हम लोग एक्स फाउंडेशन में क्या कर रहे हैं. एक बड़ा मंदिर बनेगा लेकिन जब वो बनेगा तब बनेगा. लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मैंने तो शुरुआत कर दी है क्या. ऐसे कारीगरों की जो पत्थर को तराशेंगे जो पत्थर को शेप देंगे जो पत्थर को तैयार करेंगे. पत्थर जमा कर दिए हैं अब जरूरत है कि हम पत्थर को तराशने वाले पत्थर को गढ़ने वाले कारीगरों को तैयार करें. जो हमने 15 सालों में किया कोई है जो कहेगा हालेलुया. पत्थर तराशने वाले ये जहाँ से मिल रहे जमा कर रहा है जहाँ से मिल रहे कर रहा है. मेरे भाई मेरी बहन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आप 15 सालों में क्या आप कौन हो. आप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो. आप बहुत बड़े पास्टर सेवक वचन को जानने वाले नहीं हो. लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ मंदिर बनेगा तब बनेगा बड़ा चर्च बनेगा तब बनेगा. लेकिन प्रभु
प्रभु आपको पत्थर बना रहा है क्या? परमेश्वर के मंदिर के पत्थर हो, परमेश्वर के मंदिर के भवन के पत्थर बने हो। कोई पत्थर मेरठ में है, कोई पत्थर उड़ीसा में है, कोई पत्थर राज्य में है, कोई पत्थर हड़प्सर में है, कोई नगर वार्जे, हमारी हर ब्रांच में कोई ना कोई पत्थर है मेरे भाई मेरी बहन। मंदिर बनेगा तब बनेगा, लेकिन इन 15 सालों में आप सब मंदिर के पत्थर बने। आप मंदिर के कोने का पत्थर भी हो सकते हो, लेकिन आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है क्या? आपका सहयोग महत्वपूर्ण है क्या? सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। पत्थर बनेगा, यू शुड बिकम अ स्टोन। पत्थर बनेगा, यू शुड बी अ स्टोन। आपका पहला पत्रस पढ़ोगे क्या? फर्स्ट पीटर। और मेरे भाई मेरी बहन उसका दूसरा अध्याय देखोगे क्या? सेकंड चैप्टर। और उसके उसके दो से आगे वचन पढ़ लीजिएगा। मेरे पास पढ़ने के लिए मौका नहीं, वक्त नहीं, क्योंकि बहुत आगे जाना है। चार और पांच में लिखा कि तुम आत्मिक पत्थर हो। स्पिरिचुअल स्टोन। कौन लिख रहा है? Who's writing this? जो खुद कोने का पत्थर था। पत्रस ये कलिसिया का पत्थर था। पीटर वॉज द फाउंडेशन स्टोन। पत्रस का मतलब है पत्थर। पीटर मीन केफा द स्टोन। जिसका नाम प्रभु ने शिमोन से बदलकर पत्थर रख दिया, पत्रस रख दिया, वो अब लिख रहा है पहला पत्रस दूसरा अध्याय चार और पांच में कि आप खुदा के घर के ओ पत्थर हो। आर यू आर द स्टोन ऑफ द टेंपल ऑफ गॉड। मेरे भाई मेरी बहन आपकी भूमिका इंपॉर्टेंट है क्या? योर रोल इज इंपॉर्टेंट माय ब्रदर माय सिस्टर। चर्च बनेगा तब बनेगा। चर्च विल बी बिल्ड व्हेन इट विल बी बिल्ड। इन पत्थरों की वजह से शायद सुस गांव में कुछ काम हो रहा है। समथिंग विल टेक प्लेस इन सुस गांव। पत्थरों की वजह से शायद पिंपल मिलन में कोई पत्थर होगा। बिकॉज ऑफ द स्टोन समथिंग विल टेक प्लेस इन पिंपल लुंगे में कोई पत्थर होगा। मेरे भाई मेरी बहन 100 दिन 100 जगह के लिए प्रार्थना हो रही है। 100 places will be prayed for। मुझे यकीन है हर जगह से मुझे 2 या 3 पत्थर मिल जाएंगे तो खुदा बाप स्वर्ग से उतर कर जमीन पे आ जाएगा। और कितनी अद्भुत बात है, दाऊद एक कारीगर तराशी है। He found for the mason to hew down the stone। जो पत्थर को शेप देगा। Oh that he will cut and shape the stone। मुझे खुशी है हमारे पास्टर पर नाज है, सल्यूट करता हूँ मैं। I salute my pastor। मैं डांटता, मैं स्ट्रिक्ट रहता, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन तरह से तराशने वाले तैयार करना चाहता हूँ मैं। I chastise you, I rebuke you, because I want to make you the mason who will hew down properly। आपके लिए अच्छे पास्टर लीडर इस पत्थर को तराशेंगे। ताकि वो मंदिर के किसी दीवार पर फिट बैठ सके। पंद्रह साल में आप वो पत्थर बनेगा। प्रभु तराशना चाहता हथौड़ी और खैनी, आप चलाने दीजिए पास्टर्स को। मैं तो चाह रहा हूँ कि सेवक हथौड़ा लेकर आपको तराशे। अब बोलिए पास्टर मारो मुझे ठोको। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान यिर्मयाह कहता है। हालेलुया। और दाऊद ने क्या किया है? What David has done? पत्थर तराशने वाले ढूंढे, पत्थर ढूंढे। Oh, he found the masses who'll hew down and cut the stones. और दाऊद ने क्या किया है? What David has done for? दाऊद ने लोहा जमा किया है। Oh, he gathered the iron. I'm excited. मैं उत्सुक हूँ। I'm excited. मुझे मालूम है क्या बोलने जा रहा हूँ। I know what I'm going to speak. देखिए तैयार मंदिर में मैं नहीं बनाऊंगा, no problem प्रभु, लेकिन मैं तैयारी करूंगा। कोई बात नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, दूसरा पास्टर बोल रहा, कोई बात नहीं, मुझे बोलना था लेकिन दूसरा लीडर बोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं द्वेष नहीं करूंगा, मैं चलूंगा नहीं, लेकिन मैं तैयारी करूंगा। उसने क्या किया मालूम? व्हाट ही डिड। दाऊद ने तैयारी में लोहा जमा शुरू करना शुरू किया। ही स्टार्टेड गैदरिंग द आयरन द स्टील फॉर द लोहा जमा कर रहा है। ही गैदर्ड द आयरन। जब बिल्डिंग बनती है
when the building is built. आज की तारीख में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है. Today's day, tall buildings we can see. पत्थरों के अलावा क्या इंपॉर्टेंट मालूम आपको? Beside the stone, what is important? लोहा. Iron is important. लोहा important है. Iron is important. पत्थर, सीमेंट, बालू, रेती सब कुछ आ जाएगा. Oh, the cement, the sand, everything will come. लेकिन लोहा चाहिएगा. Iron is needed. लोहा मजबूती देगा बिल्डिंग को. Iron will give a structure and firmness to the building. दाऊद अच्छा आर्किटेक्ट था शायद. I think David was a good architect. बुद्धिमान था. He was wise. उसने लोहा जमा शुरू करना शुरू किया. Started gathering iron. और लोहा जमा किया. He gathered iron. लोहा मजबूती देता है. Iron gives strongness. खुशी है. 15 सालों में 15 years so far. कुछ लोग सेवा के साथ, चर्च के साथ, एक्स फाउंडेशन के साथ लोहे की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे. प्रभु आपके खड़े होने को देख रहा है. Lord says that you are standing with him. ये प्रचार मैं ऐसे नहीं करता. I'm not just preaching like that. कुछ लोग खड़े रहे. Some people stood. पास्टर के साथ, चर्च के साथ. With the pastor, with the church. दर्शन के साथ. With a vision. मिनिस्ट्री को मजबूती दे रहे थे. Gave strength to the ministry. लोहा बिल्डिंग में नजर नहीं आता है. The iron is not seen in the building. आप पेंटिंग देखोगे क्या? You will see the painting. आप ये पेंटिंग देखोगे. You will see the painting. लेकिन कुछ लोग हैं जो नजर नहीं आ रहे, लेकिन लोहे के समान. चर्च में ऐसे लोगों की दरकार है, जरूरत है. इन चर्च लाइफ का पीपल आर नीडेड. जो शायद दिखाई नहीं देंगे लेकिन मजबूती के साथ खड़े रहेंगे. अपने अगुओ, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते रहेंगे. कुछ नहीं मांगा फिर भी प्रभु ने कहा पास्टर ये मैं बैंक में डाल रहा, ये मैं एनवलप दे रहा, शायद प्रभु के काम को जरूरत हो. दाऊद ने लोहा जमा किया. ओ डेविड गैदर्ड आयरन. क्या जमा किया? एंड व्हाट एल्स ही गैदर्ड? पीतल जमा किया, पीतल. और दाऊद ने क्या किया है? व्हाट एल्स डेविड डिड? दाऊद ने पीतल जमा करना शुरू कर दिया है. डेविड स्टार्टेड गैदरिंग ब्रास. और ये पीतल का एक प्रॉब्लम होती है. द प्रॉब्लम विद द ब्रास. ये ना सोना है ना लोहा है. इट इज नॉट गोल्ड नॉर आयरन. लोहे को पिघला कर आप जो चाहे वो रूप दे सकते हो. वी कैन मेल्ट द आयरन एंड गिव इट अ शेप. मैं इस प्रकार की फाउंड्री में काम कर चुका हूँ. लाइक दिस फाउंड्री आई हैव वर्क्ड. और सोने को भी आप जिस प्रकार का रूप देना चाहो आप ढांचे में डालकर दे सकते हो. इवन यू कैन मोल्ड द गोल्ड इन द फॉर्म यू वांट. लेकिन पीतल का एक प्रॉब्लम है. बट द प्रॉब्लम विद द ब्रास. ये पीतल इसको और हथौड़े और छेनी से ठोका जाता है. द ब्रास इज शेप्ड बाय हैमर एंड चिसल. इसको सांचे में डालकर इसको ढांचा बना नहीं सकते आप. इसको हथौड़ी से ठोक ठोक कर और उसको शेप देना पड़ता है. यू नीड टू शेप इट आउट विद अ हैमर एंड अ चिसल. अब मंदिर में पीतल का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ ब्रास. लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, दाऊद ने पीतल को भी जमा किया है. पूरा शास्त्र पाठ आपको दिया, भले ही हमने आधा पढ़ा है. Why give you the complete scripture, but we just read a little bit. लेकिन आप उसको पूरा पढ़िएगा. But you read that completely. बहुत ज्यादा मात्रा में पीतल को जमा किया है. A lot of quantity he gathered brass. चर्च में पीतल का क्या काम है? What is the work of brass in the temple? पीतल का क्या काम है? What is the work of brass in the temple? चर्च में पीतल का काम है. Yes, brass is used for church. और ये पीतल प्रतीक है यीशु मसीह का, जो क्रूस पर ठोका गया, तकलीफ उठाई उसने, यातनाएं उठाई उसने, पीड़ाएं उठाई उसने, दर्द सहा उसने. और जब तक आपके मंदिर में, आपके चर्च में यीशु मसीह इसने दर्द सहा नहीं, आपका मंदिर अधूरा है. दाऊद ने पित्तल जमा किया. आइए हम भी यीशु 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 और यीशु को अपने दिल में, रग रग में, नस नस में, रूह जान जिस्म में रखे. कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया. यीशु होना चाहिए. There should be Jesus in the temple. जो
दर्द सहने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। Oh, to bear all the pain, he left heaven and came down on the earth. कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह की? जय मसीह की। मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। I want to encourage you. ध्यान से सुनिए, समाप्त नहीं हुआ है। Listen carefully, it's not over. मैंने बताया ये मेरे यहाँ पर बैठा हुआ है। I told it is just fit in my mind. और मैं आपको encourage करना चाह रहा हूँ। I want to encourage you. मैं बाइबल देखकर बोलना नहीं चाह रहा हूँ। I don't want to look at the Bible and speak. बाइबल से ही बात कर रहा हूँ। I'm speaking from the Bible itself. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ईश्वर की वाणी एक प्रोफेटिक वॉइस अब तक पहुँचेगी। I want the voice of God, a prophetic voice to reach you. और क्या था? What else was और there? क्या था? What else was मेरे there? मेरे बहन, my brothers, my sisters. सोना जमा किया है। Oh, David gathered gold. सोना जमा किया है। He gathered gold. अब चर्च में सोने का क्या काम है? What is the work of gold in the temple? सोना किस बात का प्रतीक है? What gold denotes? मालूम है? You know, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिससे डॉलर्स, पाउंड्स और यू नो दिनार्स और दिरहम्स एंड रुपीस ये सारे चीजें इफेक्ट करते हैं वो है सोना। And this gold affects all these currencies, dollars or dinars. All these currencies affected by gold. सब कुछ सोने पर निर्भर है। Everything depends on the gold. हमने कॉमर्स में पढ़ा, सिखाया लोगों को हमने। All commerce we have studied, we have taught the people. सोना important है। But gold is important. लेकिन सोना किस बात को दर्शाता है? But what does gold show? सोना superiority को सबसे उच्च स्तर को दर्शाता है। The gold shows the superiority in this place. Top सबसे top में कौन सी चीज है? सोना। What is on the top? That is gold. सबसे important हीरे की value down हो जाए, लेकिन सोना ये this is valuable, कीमती है यार। If the diamonds rate will come down, but gold is valuable. मजूसी यीशु को मिलने के लिए सोना लेकर आए हैं, superiority दिखाता है यार। The wise men came to meet Jesus. They brought gold. That shows the superiority. और दाऊद ने सोना जमा किया है। And David gathered gold. सोना जमा किया है। He gathered gold. इसका क्या मतलब है यार? What this means? ये किस चीज का प्रतीक है? What this shows? इस दुनिया में सर्वोच्च यदि कोई है तो वो खुदा की उपस्थिति है। If anything is superior in this world, that is the presence of God. वो पवित्र आत्मा है। That is the Holy Spirit. वो खुदा की मौजूदगी है। That is the presence of God. दाऊद ने बहुत सारा सोना जमा किया है। David gathered lot of gold. मंदिर नहीं बनाया, नो प्रॉब्लम प्रभु, लेकिन मैं जमा जरूर करूंगा। No problem, I did not build a temple, but surely I will gather. मैं तैयारी जरूर करूंगा। I surely do the preparation. तैयारी कर रहा है क्या? और क्या किया दाऊद ने? और कौन सी तैयारी की क्या? प्रिपरेशन ही थी। मैं कितना एक्साइटेड अपने हाथों को उठाई है क्या? मेरे भाई, मेरी बहन, और भी तैयारी, उसने चांदी भी जमा की है क्या? सिल्वर बहुत बड़ी मात्रा में चांदी जमा की है उसने क्या? लॉट ऑफ लार्ज क्वांटिटी बाद में 16 भी पढ़ लीजिएगा, बाद में पूरी क्वांटिटी लिखी गई है वहाँ पे। If you read 14 and 16, 14, 15 and 16 verses, you will find more details. God has given clear quantity of each component. Har cheez ki usne quantity batayi hai kya? What is the verse? Actual quantity is given in that verses. चांदी जमा की है। He gathered silver. चर्च में चांदी का क्या काम? What is the work of silver in the चांदी temple? का क्या काम? What is the work of ये चांदी किस बात का प्रतीक है? What does silver show? मेरे भाई, मेरी बहन, my brother, my sisters. मैं आपको याद दिलाऊं कि यूसुफ को मार देने वाले की योजना बनी थी क्या? I'll remind you that the plan was made to kill Joseph. भाई ने प्लानिंग किया कि यूसुफ को मार दिया जाए। The brothers planned to kill Joseph. और ये मरने वाला था। And when they were going to kill. लेकिन उसको छुटकारा कैसे मिला? हाउ यू गॉट द डिलीवरेंस? इस्माइलियों के हाथ में बेचा कैसे? चांदी देकर। चांदी छुटकारे का प्रतीक है। चर्च में छुटकारा होना चाहिए, चर्च में डिलीवरेंस होनी चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए। प्रभु चाहता है कि लोग छुड़ाए जाए। कैसे? चांदी देकर। कोई है तो जोर पर थाली बजाकर इस क्रिकेट को सबकी मददगार करिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, मुट्ठी को बंद करिए और कहिए। मेरे भाई, मेरी बहन, my brothers, my sisters, आखिरी बात थी वहाँ पर जो इस्तेमाल हुई है। And last thing which was utilized here, ये ओल्ड टेस्टमेंट एंड हिस्ट्री मेरा पसंद। आई डोंट नीड टू रेफर बाइबल फॉर दिस। ओल्ड टेस्टमेंट एंड हिस्ट्री, आई डोंट नीड टू रेफर द बाइबल फॉर दिस। बाइबल वहाँ पे नहीं है, यहाँ से नहीं पढ़ रहे। बाइबल यहाँ पर होनी चाहिए। और सुनिए, मैं खुदा की वाणी बोलना चाह रहा, इसके लिए बाइबल को पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। I will tell you the words of God from the reading from the Bible and telling you. वरना मैं टीचिंग देता बैठूंगा आपको।
डॉक्टर अर्चना ज्यादा बोलनी चाहिए कल मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसने पहले भी किए हुए हैं इस पे मैंने रिसर्च फ्रेश बात मैंने रिसर्च की है और दाऊद ने देवदार की लकड़ी जमा की है and David gathered the wood of cedar. सुनिए देवदार की लकड़ी जमा की है He gathered the wood of cedar. और ये देवदार की लकड़ी क्या काम की है What is the work of the cedar? आपको बताऊंगा I will tell you. सबसे ये कमजोर लकड़ी में गिनी जाती है It is counted in the weakest wood. ये बहुत मजबूत नहीं है क्या It is not strong. केमिकल अप्लाई करो तो उसकी लाइफ 3 से 4 साल या 5 से 10 साल तक हो सकती है क्या If you apply chemical to it, its life can expand to like almost 10 years. ज्यादा मजबूत लकड़ी नहीं है It is not a strong और wood. मैं कुछ बातें उसके लिए लिख कर लाया हूँ थोड़ा रिसर्च मैंने किया है देवदार की लकड़ी जो है मैं इनके लिए अंग्रेजी में वरना मैं तो बिना देखे बोलूँ उसको बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है And we have to maintain the wood of cedar. मतलब ये किसी काम की नहीं है It is of no use actually. इसको बार बार देखभाल नहीं की If you don't maintain it regularly, तो ये खराब हो जाएगी सड़ जाएगी It will get spoiled, it will get destroyed. और उसकी एक प्रॉब्लम है क्या What a problem it has. ये आग पकड़ लेती जल जाती है It is flammable. अब इससे भवन बनाओगे And by that you'll make a house. जल जाती है ये It gets spoiled easily. मेंटेनेंस करना पड़ता है We need to maintain it. और प्रॉब्लम सुनिए Look at the problem. इसका कलर इसका रंग फीका पड़ने लगता है कलर फेड्स मेरे भाई मेरी बहन माय ब्रदर माय सिस्टर बड़ा ही नाजुक लकड़ी है ये इट इज अ वेरी सेंसिटिव वुड बड़ी नाजुक लकड़ी है ये सेंसिटिव वुड लेकिन मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ आई वांट टू एनकरेज यू ध्यान से सुनिए दाऊद ने कौन सी लकड़ी जमा की है व्हाट वुड डिड डेविड गैदर लकड़ी जमा कर सकता था ही शुड हैव गैदर स्ट्रांग वुड की लकड़ी के तबले बहुत बढ़िया होते हैं शीशम की लकड़ी के तबले बड़े मजबूत होते हैं सेसम वुड तबलास आर मोर स्ट्रांग शीशम की लकड़ी इस्तेमाल कर सकता था ही कुड हैव यूज्ड सेसम वुड फॉर दिस लेकिन भवन को बनाना है टू बिल्ड द टेंपल परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने बुद्धिमानों को नहीं चुना है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया बलवानों को नहीं चुना है परमेश्वर ने ऐसे को चुना जो है ही नहीं मेरे भाई मेरी बहन कहाँ से कोई सिस्टर आ गई क्या है पता नहीं कहाँ से कोई भाई आ गया मामूली से लोग हैं क्या बड़े सेंसिटिव लोग हैं क्या कोई गुड क्वालिटी नहीं कोई अच्छा गुण नहीं है क्या लेकिन परमेश्वर के मंदिर में हर व्यक्ति की दरकार हर व्यक्ति की जरूरत है प्रभु ने आपको चुना है ये जो कहेगा मेन लेकिन आपको मालूम देवदार की क्वालिटी होती है पर देयर इज अ क्वालिटी ऑफ सेडार वुड मैं बेवकूफ हूँ मुझे कुछ नहीं आता प्रभु ने चुना इस बात पे ही पहले केवल खुश मत ये क्वालिटी भी सुनी है सभी पीपल आर हैप्पी आई एम फुलिश आई नो नथिंग बट आई चोजन मी और प्रॉब्लम का हल भी बताऊंगा आई टोल्ड द प्रॉब्लम एंड आई टेल यू द सॉल्यूशन फॉर दिस और क्वालिटी ये होती है क्वालिटी ऑफ दिस देवदार की लकड़ी में एक खूबसूरत खुशबू होती है अ ब्यूटीफुल अरोमा इज देयर इन द वुड ऑफ सेडार दिस इज द फैक्ट ये हकीकत है दिस इज द ट्रूथ ऑफ और इसलिए लोग आज भी इसका इस्तेमाल लेकिन हमारा प्रभु कितना बुद्धिमान है उसने बुद्धि दी दाऊद को आज भी लोग लकड़ी देवदार की यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक खुशबू होती है आप कुछ नहीं हो मूर्ख हो निर्बल हो है ही नहीं You are nothing. पहला करंथियों पहला अध्याय 26:27 के अनुसार यू आर नथिंग फर्स्ट करंथियों फर्स्ट चैप्टर 26:28 यू आर नथिंग लेकिन प्रभु ने आपको क्वालिटी दी है God has given you quality. जाओ और खुशबू फैलाओ God has spread the fragrance. जाओ सुसमाचार बताओ आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे फिर क्या करोगे खुशबू फैलाओगे यहूदा सामरी और गोखले नगर मंगलवार पेट वारजे मलवाड़ी हड़पसर पिंपरी चिंचवड़ मेरठ गोरखपुर जहाँ जहाँ हो खुशबू फैलाइए वो भी शहरों का गुलाब और आपको भी प्रभु ने देवदार की लकड़ी खुशबू के साथ भेजा है
and he is the rose of Sharon and you are the cedar wood. कोई है जो कहेगा amen. Amen. Problem का solution. सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. चर्च में पास्टर हूँ, ऐसी लकड़ी है जो जल जाती है, जलते रहते हैं कुछ लोग. एंड सम चर्च पास्टर्स लाइक द वुड इज देयर व्हिच कीप्स बर्निंग. दे इधर की लकड़ी को मेंटेनेंस चाहिए, बार बार देखना पड़ता है. अगुओ लीडर लोगों को बार बार वचन बोलना पड़ेगा, प्रार्थना में उठाए रखना पड़ेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस. यही शब्द मैंने पाया जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था. इट रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस. आपको अपने लोगों को बार 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 दिन में, दोपहर में, रात में, दानियल दिन में तीन तीन बार मेंटेनेंस करता, अपने आप को खुदा के साथ जोड़े रखता. मेरे भाई मेरी बहन, सुबह शाम ओ परमेश्वर के मंदिर में दिया जलता रहता था. आपका काम है लोगों को रेगुलर मेंटेन करे, उन्हें वचन दे, उनको प्रार्थना करे, उनको प्रार्थना में उठाए रखे. कोई है जो कहेगा अपने मुट्ठी को बंद करके यस. कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी बड़ा एंजॉय. कितने लोग थक गए हैं, अभी बड़ा टायर्ड. मेरे भाई मेरी बहन, माय ब्रदर्स माय सिस्टर्स, अभी खत्म नहीं हुआ है. इट्स नॉट ओवर. अभी तो मैंने एक ही भाग मैंने शुरू किया है. आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट पार्ट. दूसरा भाग पे मैं आ रहा हूँ. आई एम कमिंग टू सेकंड पार्ट. हमने एक और चैप्टर पढ़ा. वी रेड वन मोर स्क्रिप्चर. इतिहास तीसरा अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल्स थर्ड चैप्टर. ये बताओ कि तैयारी आती है. This was just a preparation which I told मैं you. मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा, no problem. I'll not build a temple, no problem. लेकिन मैं तैयारी पूरी करूंगा. I'll do the complete preparation. मैं तैयारी पूरी करूंगा. I'll do the complete preparation. मेरा बेटा बाद में बनाएगा. My son will build it later. आप पढ़िएगा, दाऊद ने वहाँ प्रार्थना की अपने बेटे के लिए. And then David prayed for his son. उसको बुद्धि और ज्ञान प्रभु से मांगने के लिए उसको प्रेरणा दे गया. And gave him the prayer to ask wisdom from God. मेरे भाई मेरी बहन, my brothers my sisters, वो टाइम आया. A time came. Particular. It was very particular. उसके बहुत सारे बेटे थे. Lot of sons he had. लेकिन उसमें से बहुत सारी पत्नियां थी. Lot of wives he had. मेरे भाई मेरी बहन, brothers my sisters. उसमें से ये decide के लिए प्रभु ने सुलेमान ही मंदिर बनाएगा. But God decided that Solomon will build the temple. अच्छा दाऊद ने मंदिर क्यों नहीं बनाया, मैं जाते थे बोल दूं आपको. इतिहास शायद कहीं को मालूम नहीं है. And people don't know the history, so as going, I will tell you why David did not build the temple. क्यों प्रभु ने उसको मंदिर नहीं बनाने दिया? Why God did not allow him to build the temple? Reason. अब हिस्ट्री बाइबल ठीक से पढ़ेंगे, you'll get revelation. प्रकाशन होता रहेगा आपको. If you read the Bible carefully, you'll get a lot of revelation through this. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. I want to tell you this. दाऊद की शुरुआत हुई थी भालू और सिंह को मार के. David began with killing the lion and the bear. उसके बाद दाऊद ने गोलियात को मारा. After that, David killed Goliath. और मेरे भाई मेरी बहन, my brother, my sisters, उसके बाद फिलिस्तीनियों को मारता चला गया. After that, he kept killing the Philistines. कभी इस दुश्मन को, कभी उस दुश्मन को, कभी इस दुश्मन को मारता चला गया. Sometimes this enemy, that enemy, he kept killing his enemies. उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी. He fought many wars. और दाऊद परमेश्वर के मन का राजा था. David was the king of God's प्रभु ने उसको शूरवीरता दी थी क्या? God gave him that bravery. लेकिन दाऊद के हाथ खून से रंगे हुए थे क्या? But David had shed lot of blood. और खून पाप के साथ अब खुदा का मंदिर नहीं बना सकते हो. Oh, with his blood, the sin, you cannot build the temple of God. खून और पाप के साथ अब खुदा का मंदिर नहीं बना सकते हो. With the shedding of the blood and the sins, you cannot build the house of the Lord. इसलिए प्रभु ने कहा, therefore God said, मेरे मन का राजा है. You are a king after my heart. लेकिन मैं तुझे मंदिर नहीं बनाने दूंगा. But I will not allow you to build the temple. और बाइबल कहती, हिस्ट्री कहती है क्या? The Bible tells us, the history tells us. तेरा बेटा सुलेमान मंदिर बनाएगा. Your son Solomon will build the temple. और मैं उसको ऐसा अनुग्रह दूंगा. Give him such a grace. उसको लड़ाई लड़ना पड़े लेकिन उसको चारों ओर से शांति मिलेगी. He will find peace from all the four sides. और उसके हाथ खून से रंगने ना पड़े उसके लिए मैं उसको शांति दूंगा. And he will have to shed no blood because I'll give him peace. मैं खुश हुआ. I'm happy. प्रभु मुझे दिखा रहा है एक दो सालों में और खास करके इस साल में लॉकडाउन में. And God is showing me in this one or two years or this year the lockdown God showed me. ऐसे लोग जिनकी वजह से हाथ रंगने पड़ते हैं, ऐसे लोग जिनकी वजह से हम अशुद्ध बन जाते हैं, ऐसे लोग जिनकी वजह से हम लोगों को अपना कॉलिंग छोड़नी पड़ती है, उनसे दूर रहो. Because of those people, oh, we have to become bad or fall in sin. It's better we stay away from those people. ये मेरा personal अनुभव है. This is my personal experience. और प्रभु ने शांति दी. And God gave peace to Solomon from all the sides. शांति दी गया है.
gave him peace. और फिर बुद्धि और ज्ञान मांगा, वो भी दिया. And asked, he asked for wisdom and knowledge, and God gave him that. चर्च बनाना है, आपको बुद्धि और ज्ञान लगेगा. You want to build a church, you need the wisdom and knowledge. पहला इतिहास 22 पढ़ा, 14, 15, 16 और आगे पढ़ोगे तो लिखा कि 10, 12 भी पढ़ोगे तो लिखा है कि दाऊद ने भी अपने बेटे सुलेमान के लिए बुद्धि मांगी, प्रवीणता मांगेगा. Even First Chronicles 22 chapter, we can read that David asked for wisdom for his son Solomon. जो पिता ने जमा किया उसका तो इस्तेमाल होना ही था. And what father had gathered, that has to be utilized. लेकिन अपनी बुद्धि भी प्रभु ने दी थी उसको. But even God gave him wisdom. और इसके लिए प्रभु ने कहा सुलेमान मंदिर बनाएगा. Therefore God said Solomon will build the temple. दाऊद बहुत बड़ा हो गया. David had become old. 40 साल राज किया उसने तकरीबन. 40 years he reigned. उसके बाद मंदिर बनाने की तैयारियां की. After that he made the preparations for building the temple. उसका बेटा सुलेमान खड़ा हुआ. And then his son Solomon stood. मेरे भाई मेरी बहन. My brother my sisters. सेवकों ने पास्टर ने बहुत काम किया. Pastors and leaders have done mighty works. अब कौन मंदिर बनाएगा? Now who will build the temple? कौन सुलेमान बनेगा? Who will become Solomon? कौन पत्थर जो जमा किए हैं उनको तराशेगा? Who will hew down the stones which have been gathered? कौन पास्टर बनने के लिए तैयार? Who is ready to become pastor? कौन सेवक बनने, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए तैयार? दुनिया के पैसे ये वो आईटी कंपनी में काम करने के लिए तैयार, लेकिन सवाल वो है कौन सुलेमान बनने के लिए तैयार? मेरे भाई मेरी बहन, सुलेमान प्रभु ने तैयार, बहुतों में से चुना उसको. Solomon was chosen among all the people's sons. उसकी माँ बेथशेबा. His mother बेथशेबा. उसका पहला भी पति था. But she had a husband first. उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है. जो पापी है प्रभु ने उसी के बेटे को इज़राइल की राजगद्दी पर बैठने के लिए और मंदिर बनाने के लिए चुना. She was a sinner, but still God chose her son to sit on the throne of David. David की पत्नी बनी, दाऊद की पत्नी बनी. She became the wife of David. प्रभु ने उसी के बेटे को चुना. God chose her son. मेरे भाई मेरी बहन. My brothers, my sisters. बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ. To say a lot of things I can speak. अभी और 10, अभी 6 बोली, 10 और बोलनी है. I have to say more 10 points. कितने भी enjoy कर अपने हाथों को उठाइए. आप भी बोलें enjoy कर अपने हाथों. मेरे भाई मेरी बहन. My brothers, my sisters. सुलेमान मंदिर बना. This is amazing. सुलेमान मंदिर बना. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये पार्ट, क्योंकि लेकिन दुख है कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. आई नो आई लव दिस दैट सोलोमन इज बिल्डिंग द टेंपल एंड आई लव दिस बट आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन मच टू यू इन दिस. मैं करना नहीं चाह रहा इसको, फिर कभी करेंगे. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, सम अदर टाइम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. मैं तो क्या चाहता हूं कि ऐसे मिस्ट्रीज, ऐसे यू नो रहस्य आपको बताए जाए. एक्चुअली आई वांट अ कैंप टू टेक प्लेस वेयर यू कैन स्पीक अबाउट मिस्ट्रीज. फिलहाल 3 दिन की विशेष सभा में मैं प्रचार कर रहा हूं. बट प्रेजेंटली इन 3 डे स्पेशल मीटिंग्स आई एम प्रीचिंग. सुलेमान ने मंदिर बनाया. सोलोमन बिल्ट द टेंपल. जगह किसने चुनी? उसके पिता दाऊद ने चुनी. एंड हु चोज द साइट? हिज फादर डेविड चोज. और आपको याद होगा कि ओरनान के खलियान में वो सब किया गया. अब मेरे भाई मेरी बहन. माय सिस्टर. सुलेमान चर्च बना रहा है. सोलोमन इज बिल्डिंग द टेंपल. चर्च बनेगा. चर्च विल बी बिल्ड. चर्च बनेगा. चर्च विल बी बिल्ड. पहला प्रश्न है कहाँ बनेगा? द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इट बी बिल्ड? कहाँ बनेगा? वेयर विल इट बी बिल्ड? बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, सिनाई की पहाड़ी थी क्या? वाज बिग माउंटेन, माउंट ऑफ सिनाई. सियोन की पहाड़ी थी क्या? माउंट ऑफ ज़ायन. लेकिन चर्च कहीं पर भी होगी, बड़ी बड़ी जगह, लेकिन चर्च मोरिया देश की पहाड़ी पर बनेगा. द चर्च विल बी बिल्ड ऑन द माउंट ऑफ मोरिया. आपने शास्त्र पाठ ठीक से सुना नहीं है. यू हैव नॉट रेड द स्क्रिप्चर प्रॉपर्ली. पास्टर पढ़ रही थी, मोरिया देश की पहाड़ी पर चर्च बनेगा. द माउंट ऑफ मोरिया द टेंपल विल बी बिल्ड. सुनिए, मोरिया देश की पहाड़ी क्या है? What is the mountain of Moria? क्या मिस्ट्री है? बाप रे, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं इजराइल में हूँ. Mistress, a wonderful thing. I get goosebumps. I feel I should go back to Israel. मेरे बाइबल की जगह, मेरे खुदा की वो जगह जो आज भी मौजूद है और लोग रह रहे, सबके लिए इम्पोर्टेंट जगह है. इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर एवरी पर्सन. चर्च बनेगा मोरिया देश की पहाड़ी पर. चर्च विल बी बिल्ड ऑन द माउंट ऑफ मोरिया. हुआ था मोरिया देश की पहाड़ी पर आपको याद होगा. रिमेम्बर व्हाट हैपेंड ऑन द माउंट ऑफ मोरिया. उत्पत्ति 22 अध्याय में क्या? इन जैसे चैप्टर 22 में अब्राहम से कहा अपने इकलौते बेटे को ले. मोरिया देश की पहाड़ी पर बलिदान दे. Go on the land of Moria and sacrifice him in that place. और बलिदान देने के लिए इसहाक वहाँ पर छुरा चलाने वाला था अब्राहम. And
Abraham was about to strike him with a knife to sacrifice his son. उसका हाथ रोक लिया. But God holded और his hand. इसहाक की जगह एक मेमना जो झाड़ी में अटका था उसका बलिदान दिया गया. In place of Isaac, a ram was there in the thicket. That was sacrificed. मेरे भाई मेरी बहन. Brothers, my sisters. चर्च वही बनेगा जहाँ बलिदान दिया गया है. Church will be built there where the sacrifice has been made. चर्च बलिदान की जगह पर बनेगा. Church will be built on the place of sacrifice. मेरे भाई मेरी बहन. Brothers, my sisters. आप और मैं मरने वाले थे क्या? You and I were going to die. पाप की मजदूरी मृत्यु थी. The wages of sin is death. आखिरी समय में प्रभु ने छुरा अपना दंड रोक दिया. But the last moment, God held in the knife and stopped him. और पाप को मौत से बचा लिया गया, छुटकारा दिया गया. और वो मेमना जिसके सिर पर कांटे का मुकुट था आपकी जगह वो बलिदान किया गया. But you wasted at the last moment that love of God was sacrificed for you and me. जिस जगह पर जिस जगह के लोग यीशु के बलिदान को याद करते बार बार रोज पर रोज चर्च मंदिर वही बनता है. दूसरा जो सैक्रिफाइस करता यीशु मसीह ने कितने बलिदान दिए स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी के तट को सहा बलिदान दिया जहाँ पर पास्टर्स लीडर्स कलिसिया बलिदान पर बलिदान अपना पेट काट कर मंदिर में पैसा देते दशमांश के ज्यादा देते जब जब जरूरत पड़ती देते जहाँ पर लोग बलिदान देते चर्च वही बनता है. बंद करिए कहिए यस बलिदान की जगह पर चर्च बनता है. चर्च इज बिल्ड ऑन द प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस. और मेरी बहन मोरिया देश के पहाड़ी पर चर्च बना है क्या? ऑन द माउंट ऑफ मोरिया दिस टेंपल वाज बिल्ड. अब यहाँ पर आप आगे पढ़ोगे रीड फर्दर तीन से चार तो पढ़ोगे थ्री एंड फोर्थ वर्स. तो यहाँ पर यू नो कितना लंबा कितना चौड़ा ये पूरी बातें बताई गई है. द लेंथ एंड द ब्रेथ एंड एवरीथिंग इज गिवन. और मेरे भाई मेरी बहन ब्रदर्स माय सिस्टर्स मैं आपकी जानकारी के लिए बोलना चाह रहा हूँ. इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू. तीन से चार में थर्ड एंड फोर्थ बॉल की लंबाई कितनी होगी क्या? व्हाट विल बी द लेंथ. और वहाँ पे क्या चौड़ाई होगी क्या? व्हाट विल बी द ब्रेथ. सब कुछ दिया गया है. एवरीथिंग इज गिवन. सब कुछ दिया गया है. एवरीथिंग इज गिवन. बाद में पास्टर ऊंचाई आपको पढ़नी है. ऊंचाई बाद में केवल ऊंचाई में जब बोलूंगा तब. लेकिन सुनिए पहले सुनिए फर्स्ट लिसन. बाइबल यू कहती है बाइबल कितना लंबा कितना चौड़ा कितना क्या सब कुछ दिया गया. What is the length? What will be the breadth? Everything is given there. आपको मालूम? Do you know? आपको मालूम? Do you know? नक्शा. Map. हर चीज बनाने के लिए नक्शा चाहिए. For everything, a map is made. हर चीज को बनाने के लिए नक्शा चाहिए. For everything, a design is made. यहाँ पर भी नक्शा है. Even your a design. यहाँ पर भी एक नक्शा है. तीन और चार में क्या है? Third and fourth, we can see. और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ. I want to tell you this. कैसे कहूं मैं आपको क्या आप परमेश्वर के प्लान में बैठे हो? How should I tell you? Are you fitting in the plan of God? परमेश्वर ने आपके लिए नक्शा रखा है. God made an outline, a design for you. धन्य वो पुरुष जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मना नक्शा है. Blessed is the man who meditates on the word of God day and night, a plan of outline. उठते बैठते मेरी आज्ञा सीमा लोगों को देते हैं. Deuteronomy chapter 6. Arising and sitting down, who gives Shema to the people, the children in Deuteronomy chapter 6. क्या आप नक्शे में फिट बैठे हो? Are you fitting in that plan? मुझे खुशी है मैं डांटता हूँ फटकारता हूँ छाटता हूँ क्योंकि मुझे नक्शे में सबको बिठाना है. नक्शा उस खुदा ने दिया और मुझे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है. God has given that design that outline. I have to chastise you so you can fit in that plan. खुदा के नक्शे में आप अपने ने मला सो तुम्हारा काय व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट. नक्शे में क्या लिखा वो इम्पोर्टेंट. नक्शे में लिखा नो जलसी. नक्शे में लिखा जलना नहीं है. लक्ष्य में लिखा है केवल खुदा केवल खुदा केवल खुदा. अपनी खुद को भी इनकार कर अपने आप को अपनी फैमिली क्या है रिश्तेदार क्या दोस्त क्या अपने आप को इनकार कर. नक्शे में यही लिखा है what should be done and what should not be done. आप नक्शे में फिट नहीं बैठ रहे हो. You are not fitting in that outline in the plan. भाई मेरी बहन brothers my sisters मैं आपको समझाऊं क्या हुआ. I will explain what happened. नक्शे नक्शे का नूह को एक नक्शा दिया था. Even Noah was given a map. नूह को नक्शा दिया था.
outline was given to Noah. वो पूरा जहाज बनाया गया. And he built the complete ark. जब नक्शे में लोग फिट नहीं थे, जानवर फिट नहीं थे क्या? The animals were not fitting in that plan. तो अपने तरीके से थे क्या? They were in their own ways. और जैसे नूह ने आवाज दी, सारे जानवर आने लगेगा. And when Noah called, all animals are coming. नक्शे में यही था कि आपको जबरदस्ती आना पड़ेगा. And in the plan was that forcefully you need to come. प्रभु ने इन सात जोड़ी को, प्रभु ने उन दो जोड़ियों को चुना, शुद्ध अशुद्ध को चुना है. And God chose that unclean and clean. तो नक्शे में यही लिखा था. It was given in the plan. नक्शे में यही था. It was in the plan. और मेरे भाई, मेरी बहन, my brother, my sisters, जहाज में, जो जहाज मतलब जहाज नहीं है, it is a plan of God. वो परमेश्वर की योजना है, मैप है, नक्शा है. And it is a plan of God. It is not just an ark. उस प्लान में घुस रहे हैं क्या? And they are coming in that plan. उस नक्शे में घुस रहे हैं क्या? They are entering into the plan. वो शेर जो हिरण को चपट्टा मार के मारता है, वो भी वहाँ है, और वो हिरण भी वहाँ पर है. दोनों मजबूर हैं, दोनों कठपुतली हैं. क्या करूं, एक चपट्टा मार के मैं हिरण को मार दूं, लेकिन नहीं मार सकता. बिकॉज दिस इज द प्लान. मैं नक्शे पर खड़ा हूं. आई एम स्टैंडिंग ऑन द प्लान ऑफ ऑलमाइटी गॉड. मैं अपनी मर्जी से नहीं, खुदा जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होते वैसे जमीन पे भी पूरी होने थे. तो यह जो कहेगा नक्शे में आओगे, बदलना पड़ेगा. When you come in the plan, you have to change. चेंज होना पड़ेगा. You have to change. तो यह जो कहेगा आमीन. आमीन. तो यह जो कहेगा हालेलुया. हालेलुया. और मैं आपको एक एक ही बात, ऊंचाई बात मैं बोल रहा था. कितनी ऊंचाई बताइए पास्टर? और उसकी ऊंचाई 120 हाथ. 120 cubits will be the height. समझ में आ रहा कितना ऊंचा है? Understanding how much height was? 120 हाथ into 18 inches divided by 12 और उसको आपको फीट में मिल जाएगा आपको. And 18 inches divided by 12 when you'll get that actually in feet. 120 हाथ उसकी ऊंचाई थी. 120 cubits was this height. Can you imagine लंबाई चौड़ाई से ज्यादा थी. And you know it was more than the length and the breadth. और ये ऊंचाई 120 हाथ. And 120 the height. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु का भवन सबसे ऊंचा किया जाएगा. प्रभु का भवन सबसे ऊंचा किया जाएगा. आपके घर छोटे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, लेकिन प्रभु का घर सबसे ऊंचा. हर कोई देखेगा, हर कोई कहेगा कि ये यीशु का घर, ये खुदा का घर. कोई है जो कहेगा हालेलुया? मैं 2 BHK 3 BHK में नहीं, मैं सबसे ऊंचे खुदा के घर में रहता हूँ. सबसे ऊंचा, और सब देख सकेंगे. अरे वाओ, एवरीवन कुड सी दैट. ओह माय गॉड, कैसे कहूँ, तुम जगत की ज्योति हो. यदि आप जगत पहाड़ी पर हो, छिप नहीं सकते. नो वन कैन हाइड यू. आप नजर आओगे. ओह माय गॉड. लहलाबा शाथारा बंदल होलोबा विखंडी रहलाबा सुतो बंदरा. मूसा को छिपाया गया क्योंकि मार देंगे. लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, तुम जगत की ज्योति हो, छिप नहीं सकते. छिपा हुआ मूसा उसी फिरौन के मंदिर, उसी के राजमहल में फला फड़ा. छिप नहीं सकते. यीशु को छिपाया गया. Jesus was hided out. वहाँ पर छिपाया जा रहा था. 2 साल के बच्चों को तलाम किया जा रहा, लेकिन अभी टाइम नहीं आया और वो छिप रहा है. लेकिन 3.5 साल के बाद, ये 3.5 साल के बाद, ये ज्योति ऐसा चमका कि छिपा नहीं. पूरी दुनिया आज भी कलवरी की पहाड़ी को, उस ऊंचाई को, उस मुकाम को, उस बलिदान को आज भी याद करती है. परमेश्वर का मंदिर सबसे ऊंचा उठाया जाएगा. कोई है जो कहेगा सबसे ऊंचा? He'll be highest of all. 120 ऊंचा. 120 cubits high. और अब क्या है उसका? What this means? अब क्या है? What is about it? कितने लोग प्रार्थना कर रहे थे? People were praying. ऊपर वाले चर्च में 120 लोग. पहले ऐसा ऊंचा था, अब 120 लोग हैं. तुम जाओ और जगत को उल्टा पुल्टा करो. पवित्र आत्मा आएगा, फिर तुम सामर्थ्य पाओगे. यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, पृथ्वी के अंत तक कौन पहुंचेगा? 120 लोग, एक चर्च.
one church. और पूरी दुनिया को उद्धार का संदेश. And we completely rule over all the churches. दानियल भी यरूशलेम की और मुंह करके खिड़की खुली करके प्रार्थना किया करता, प्रभु का मंदिर सबसे ऊंचा. Daniel prayed towards the temple of God in Jerusalem. कोई है जो कहेगा हालेलुया. हालेलुया. और मैं जो चंद बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि टाइम काफी होता जा रहा है. A few points I want to tell because the time is running. चौथी आयत में लिखा है, Fourth verse it is मेरे भाई मेरी बहन, my brother my sister, वहां पर क्या था? Was there? और बाइबल यू कहती है क्या? Bible tells us कि वहां पर that place परमेश्वर ने क्या God भीतर से चर्च को भवन को चौके सोने से मंडवाया. He overlaid the inside with the pure gold. चौके सोने से मंडवाया. With pure gold. मैं पहले ही बता चुका हूँ. Before only I have mentioned. सोना मतलब प्रभु की उपस्थिति. Gold means the presence of God. चर्च में क्या होना चाहिए? What should be there in the church? चर्च में भीतर से, बाहर से नहीं, भीतर से. बाहर वाले देखे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, बाहर से नजर आओ कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अंदर से भीतर से, भीतर से उसने भीतर से चौखे सोने से मनवाया. चर्च में अंदर कुछ नहीं, केवल परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, दिस डिवाइन माइटी एंड होली प्रेजेंस इनसाइड द चर्च. आपके अंदर प्रभु का उपस्थिति, उसकी मौजूदगी, उसका पवित्र आत्मा होना चाहिए. कोई है जो कहेगा आमेन? आमेन. कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया. कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे. और ये एंजॉय के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये हकीकत है. दिस इज द ट्रूथ. ये हकीकत है. दिस इज द ट्रूथ. चौखे सोने से मंडवाया. इट वाज ओवरलेड इनसाइड विद गोल्ड. और कुछ हुआ? मेरा दिल ललचारा बोल रहा हूँ. माय हार्ट इज डिजायर टू टेल यू. सरोवर के लोग, पिता ने देवदार की थी. फादर गैदर्ड द वुड ऑफ सेडार. इसका इस्तेमाल हुआ लोहा, एवरीथिंग विल बी यूज्ड. लेकिन इसने अपनी बुद्धि से कुछ और भी ऐड किया है. एंड दिस विजडम ही एडेड समथिंग मोर. उसने क्या किया है? व्हाट ही डिड. उसने सरोवर की लकड़ी ली है वहां पे. ही एडेड द साइप्रस वुड. सरोवर की लकड़ी वहां पे ली है. एंड ही टुक द साइप्रस वुड. सरोवर की लकड़ी का उसने इस्तेमाल किया. ही यूज्ड द साइप्रस वुड. क्यों इस्तेमाल किया? व्हाई ही यूज्ड दिस वुड. उसने इसका इस्तेमाल किया ताकि उसको छत पर लगाया जाए. Cypress wood was used to put on the roof. हाँ, छत पे. पांचवी आयत पढ़ लीजिएगा. अब छह भी पढ़ेगा बाद में. उसने उसने छत पर उस लकड़ी का इस्तेमाल किया. On the roof he used the cypress wood. कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन. अब इस लकड़ी का और एक प्रॉब्लम है. The problem of this wood. ये भी देवदार की जैसी है. Even it is like the cedar. ये भी मजबूत नहीं है. Even this is not strong. ये भी कमजोर लकड़ी है. This is a weak wood. मुलायम है, सेंसिटिव है, लेकिन मुलायम है ये. It is soft, it is sensitive, but it is soft. छत इस पे. The roof was made of a mat. कुछ चीजें इम्पोर्टेंट होती है, फाउंडेशन, फिर उसका उसकी दीवारें, अब छत भी इम्पोर्टेंट है. Foundation, the walls, even the roof is important. और मेरे भाई मेरी बहन, उसके लिए इस्तेमाल किया गया सरोवर की लकड़ी का. My brother, sister, for roof, the cypress wood was used. मैं उसका भी रिसर्च करके यहाँ पे आया, लेकिन ज्यादा रिसर्च में नहीं बोलूंगा आपको. I have done research on that and I have come in this place. I'll not mention more about it. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ. I want to tell you. यह कमजोर है. It is weak. और इसको भी मतलब देखना पड़ता, देखभाल करनी पड़ती है. When you have to maintain this. ये मुलायम होती है, sensitive होती, मुलायम होती है. It is soft and sensitive wood. शैतान को लगेगा ये मुलायम, ये क्या कमजोर लोग हैं, क्या कर लेंगे ये लोग. Satan will think, oh, they are feeble, weak people, what they can do. Everything is fit. सब कुछ प्रभु की योजना में फिट किया गया है. Everything was made by the plan of God. नक्शे में, नक्शे में सनोवर की लकड़ी है. इन द प्लान द साइप्रस वुड वॉज यूज फॉर द रूफ. आपने शास्त्र पाठ ठीक से सुना नहीं. We didn't read the scripture properly. इस लकड़ी पर नक्काशी बनाई गई है. And this wood was carved. Beautiful, सुंदर नक्काशी. A beautiful carving was done on the wood. नक्काशी जो है क्या? The carving which is done. वो मजबूत लकड़ी पर नहीं, मुलायम लकड़ी पर ही संभव होती है. Carving is done on the soft, not a strong wood. खूबसूरती उसी पर आएगी जो मुलायम है. अपने आप पर हथौड़ी और खैनी और डिजाइनिंग पास्टर करिए, देना दीजिए, लेकिन मुझ में एक सुंदर से नक्काशी, मुझ में एक सुंदरता आनी चाहिए ताकि लोग देखे. और मेरे भाई मेरी बहन, हमारे चर्च का नाम तो कुंभार का घर है. हम मिट्टी हैं और प्रभु ने उस मिट्टी को जो चाहे वो रूप दे दो, जो चाहिए नक्काशी दे दो, जो चाहिए तस्वीर दे दो, वो सुंदर
नजर आएगी, उसके लिए मुलायम होना जरूरी है। मजबूत नहीं चाहिए, प्रभु की योजना में रहोगे भले ही मुलायम हो, उस क्वालिटी का भी इस्तेमाल प्रभु अपनी महिमा के लिए। जो कोई आएगा ऊपर देखेगा, जो कोई आएगा छत पर देखेगा, जो कोई आएगा नकाशी देखेगा, जो कोई आएगा आपका प्रचार, जो कोई आएगा आपके गाने, जो कोई आएगा आपका बजाना, जो कोई आएगा आपकी मीडिया, जो कोई आएगा आपकी किताबें, जो कोई आएगा आपकी प्रिंटिंग, जो कोई आएगा आपका कंप्यूटर, जो कोई आएगा आपके जीवन की नकाशी देखकर ऊपर देखकर उस ऊपर वाले की महिमा करेगा। कोई है जो करेगा हालेलुया। मुट्ठी को बंद करिए और कहिए यस। प्रभु ने समोवर की लकड़ी का इस्तेमाल किया। God used the cypress wood. आगे बढ़ो की बंद करो यहाँ पे। Should I go further? ये नकाशी भी काई की थी मालूम आपको? And what this carving was? ये नकाशी जो थी। The carving which was? उस पे कौन सी तस्वीर थी? मतलब मैं पागल हो गया जब मैं इसको पढ़ता हूँ बार बार। And when I read something again, you know, I become mad. लिखा है यहाँ। It's written. आप 6-7 पे चले जाइए बार बार। And 6 and 7 if you read further. लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनिए। Listen. मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। Listen. इस पे जो नकाशी की गई है। And what the carving was made of? तस्वीर बनाई गई है। The picture which was made. खजूर की तस्वीर। It was the picture of the palm tree. हम अपने शास्त्र पाठ पढ़ा नहीं ठीक से। You didn't read the scripture properly. खजूर की तस्वीरें बनी थी। It was carved with a palm tree. सुनिए खजूर। Palm tree. खजूर। Palm. कबीरदास कह गएगा। कबीर सेंट कबीर सेंट कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। ये कबीर दास ने कहा। सेंट कबीर सेड दिस सेम क्योंकि कबीर दास इंडिया में रहते थे। कबीर दास इज स्टेइंग इंडिया। अगर अरब में रहते तो उनका ये दोहा नहीं होता। If he was staying in Arab countries, he wouldn't say like this. क्योंकि सबसे फलों में मीठा फल कोई है, बढ़िया फल कोई है, तो वो है खजूर। That is the palm. और खजूर के गुण बताने लगूं तो टाइम कम पड़ जाए। If I start telling you about the palm tree, the less time will be there in hand. पूर्व में लोग खाना ना खाएं लेकिन खजूर खाएंगे। Oh, in the distant countries, people don't eat food, but they have this date. मैंने तो किताब लिखी भजन संहिता पर आधारित कि धर्मी खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे। And I wrote a book about this. Our righteousness is like a palm tree. खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे। They will flourish and they will grow like a palm tree. खजूर की क्वालिटी है। This is the quality of a palm tree. बहुत बोल सकता हूँ, खजूर पे पूरी किताब लिखी है मैंने, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, खजूर में दो क्वालिटी होती है। Two qualities are there in a palm. पक्का खजूर रहेगा, पका हुआ खजूर रहेगा तो उसको हम फल के रूप में ड्राई फ्रूट की जैसे खा लेते हैं। A ripe date of the palm fruits we can eat. ड्राई फ्रूट और उसको सुखा कर, मतलब ड्राई फ्रूट हम सुखाते हैं, इसको खाते हैं। एंड वी ट्राई दोस फ्रूट्स एंड देन वी ईट देम एज डेट्स। लेकिन जब सुखाते नहीं है तो वो गीला होता है। एंड व्हेन यू डू नॉट ट्राई देम दे आर वेट। उसमें रस होता है। इट हैज वाटर। और उसमें से रस निकलता है तो रसीला लगता है। एंड देन वाटर्स ऑफ द जूस कम आउट ऑफ द फ्रूट एंड इट इज जूसी। तो खजूर दो काम आता है यहाँ। And the palm has two importance. Wow, दो काम आता है वो। Has two benefits. या तो वो भूख मिटाता है, यो तो प्यास मिटाता है। खुदा के मंदिर में लोग आएंगे, भूख भी मिटेगी, प्यास भी मिटेगी और फलेंगे फूलेंगे भी। प्रभु ने मंदिर में हजूर की तस्वीर, आप हजूर की नाई फूलोगे फलोगे और आपसे लोग खाकर चुप नहीं होंगे और प्यासे फिर चुप होंगे। बंद करे और कहे यस। जो इसको डायरेक्ट सुन रहे हैं यहाँ पे चर्च में बैठकर, दे आर द ब्लेस्ड। यू नो मैं लकी नहीं बोलूंगा, ब्लेस्ड हो। आपने चुन लिया, ये मिल गया आपको। ऑनलाइन मिलेगा ये वो, हम लीडर हैं, हम पास्टर हैं, लेकिन मौका गवा दिया, मौका गवा दिया। जो डायरेक्ट यहाँ सुन रहे इसको, ये तीनों मैसेज जो सुन रहे, ये डायरेक्ट सुन रहे हैं, यू आर नॉट लकी, यू आर ब्लेस्ड। और ऑनलाइन पर तो सबके लिए है, लेकिन पास्टर्स लीडर्स को मौका था यहाँ पर आने के लिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आई वांट टू टेल यू दिस, खजूर की ये क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ द पाम। भूख भी मिटाता, प्यास भी मिटाता है। इवन इट क्वेंचेस द थर्स्ट एंड हंगर। तो अभी किधर है? रेगिस्तान में। क्या? वेयर डज इट ग्रो? इन डेजर्ट। मेरे भाई मेरी बहन, ब्रदर्स माय सिस्टर्स, दुनिया में अकाल है, रेगिस्तान है, सूखा है, लेकिन उसमें एक विश्वासी दूसरों को प्यास मिटा
मिटाएगा, दूसरों की भूख मिटाएगा, तो वह जो कहेगा हालेलुया। और क्या था, मणि जड़े हुए थे उसमें, ज्यादा बोलूंगा नहीं, मणि जड़े हुए थे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इज़राइल में मणि थे 12 गोत्र And in Israel, precious stones with their 12 tribes. प्रभु ने कभी किसी की उलहना नहीं की, सबको आशीष दी है। God has blessed all the 12 tribes. और प्रभु ने उनको बार बार इंपॉर्टेंस दिया। And he gives them importance again and again. ये मणि जड़े हुए हैं। आज वे लोग जो एक्स फाउंडेशन के 15 सालों में उसके बाद या शायद अब तक जो जो डिसाइपलशिप कर रहे थे, गोत्र बन रहे थे, मैं मंगलवार पेट का गोत्र, मैं गोकलनगर का गोत्र, मैं हरमसर का गोत्र, जो भी है वो भी खुदा के मंदिर में मणि के रूप में जड़े गए हैं। और मैं क्या बताऊं, और लिखा कि उसके चौखट पर ये वो सब जगह सोने से मंडवाया गया। और फिर मैंने नूह का उदाहरण दिया कि जब भी आप प्रभु की उपस्थिति वाले दरवाजे में घुसते हो, सबको एक बन जाना चाहता, कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, आपको प्यार करना पड़ेगा, आपको आपके दुश्मन से भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति के चौखट में हो। चौखट को, देवड़ी को सोने से मंडवाया गया। एवरीथिंग वॉज कवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जब हम खुदा की उपस्थिति में कवर होते हैं, उसकी उपस्थिति में आते, दुश्मन भी हो, कोई भी हो, आपको प्यार करना पड़ेगा, आपको प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम ये वो दान है जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह के लिए। ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जानकर के मैं बोल दूंगा। वहाँ पर और क्या था, वहाँ पर क्या था, और वहाँ पर लिखा है, मैं आठवीं आयत को बोलना चाह रहा हूँ, उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। परम पवित्र स्थान को बनाया है, परम पवित्र स्थान क्या है, परम पवित्र स्थान, बहुत सारी बातें थे, क्या बलिदान है, सैक्रिफाइस, बलिदान है, सैक्रिफाइस, आप अंदर जाना बलिदान, सैक्रिफाइस, चर्च में आना बलिदान, चर्च में आओ बलिदान की जगह पर बैठ जाना, घुटनों पर बैठ जाना, प्रभु मेरे पापों की क्षमा करना, मैं अपने आप को तुझे अर्पित करता, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता। मेरे भाई मेरी बहन, चर्च बलिदान की जगह है, उसने परम पवित्र स्थान को बनाया, ये था बलिदान की जगह। चर्च प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। और मेरे भाई मेरी बहन, ब्रदर माय सिस्टर्स, काहे के लिए था, क्यों था, चर्च वॉज देयर, ये चर्च किसके लिए था, मैंने शुरू में बताया, दिस वॉज द मीटिंग प्लेस, ये मिलाप वाली जगह थी। This was a meeting place. बलिदान है, सब कर लोगे, ठीक है भैया, लेकिन अंत में क्या, प्रभु को मिलना है। Sacrifice, everything is there, but the end will meet God. और वहाँ पर परम पवित्र स्थान को बनाया, वहाँ पर एक परमेश्वर का संदूक है, वहाँ पर है। And a most holy place was made, and the God's Ark of Covenant was there. शास्त्र पाठ आपने ध्यान से पढ़ी होगी। If you read the scripture properly. उसने लिखा कि दो करूबों को बनाया। Cherubims were made in that place. दो करूब को बनाया। Two cherubims were made. और मैं आपको बताऊंगा, उनके पंख आपस में मिले हुए थे, दो करूबों को बनाया है, पढ़ लीजिए, अध्ययन करेगा उसका पूरा, यू कैन डू द स्टडीज ऑफ दिस। दो करूब थे, टू चेरूबिन, दयासन है, सीट ऑफ मर्सी, वहां पे विराजमान होगा, गॉड विल प्रेजेंस विल कम देयर। उसको कवर किया है दो करूबों ने, ही वाज कवर्ड बाय टू चेरूबिन। करूब कुछ नहीं, ये दूत है, cherubim is nothing else but angels. दूत का प्रकार है, ये type है, ये the type of the angels. Doctrines of angels very very important to study. आपको study करनी पड़ेगी हर doctrine को, तो ये दूत थे। And they were the angels. अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। Now I want to tell you this. दो दूत थे वहाँ पे, two angels, जिनके हाथ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। The wings were connected with one another. नियम में दूत नजर आएंगे क्या? No, you can see it old times angels were there. नए नियम में भी आएंगे थोड़ा फोर, लेकिन पुराने नियम में ज्यादा दूत नजर आपको आएगा। In the Old Testament we can see more of the angels, even New Testament we can see. नए नियम में और पुराने नियम में भी कहा है कि जिब्राइल दूत आपको नजर आएंगे। In the Old Testament, New Testament we can see the angel Gabriel. मेरे भाई मेरी बहन, brother my sister, दो दूत बनाए हैं वहाँ पे, two angels were made. जिनके हाथ आपस में मिले हुए हैं। Oh, the wings were connected. ये दूत क्या करते थे? What these angels did? ये दूत खुदा का कलाम लाते थे, they were संदेश वाहक, messenger थे वो। They were the messengers of God. खुदा का संदेश लाते थे। They got the message from God. मेरी बहन,
brothers, my sisters. मंदिर में करूब क्यों है क्या? Why the cherubims in the temple? मंदिर में करूब का होना जरूरी है क्या? Cherubim need to be in the temple. सुनिए, करूब कहाँ थे? Where were they? आंगन पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान यहाँ पर थे। They were in the most holy place. संदेश खुदा का संदेश नीचे ला रहे हैं। The messengers are getting message of God in this place. इस युग के लिए क्या है? To this generation. प्रभु ने हमें दो संदेश दिए हैं। God has given us two messages. एक पुराना नियम, एक नया नियम। One is the Old Testament, another New Testament. पुराना नियम, एक नया नियम। One is the Old Testament, another New Testament. दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। And both are connected with one another. दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। Both are connected with one another. और उसकी जगह आंगन में नहीं, पवित्र स्थान में नहीं, यहाँ पुलपिट पर है क्या? The place is not the outer court of the holy place. It is the most holy place. दो करूब, दो चरबीम, खुदा का संदेश, the message of God. 40 लेखक, 40 authors. पवित्र आत्मा के द्वारा, through the Holy Spirit. संदेश आप तक आया बाइबल के रूप में. Message has come to you. चर्च में क्या होना चाहिए? चर्च में पुराना और नया नियम दोनों होना चाहिए। हमको पुराना नियम समझ में नहीं आता। पास्टर, वी डू अंडरस्टैंड द ओल्ड टेस्टामेंट। समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि दोनों हाथ मिले हुए हैं। बोथ आर हैंड्स आर कनेक्टेड। दोनों संदेश मिले हुए हैं। बोथ सर्मन्स आर कनेक्टेड। वक्त नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव सो मच टाइम। लेकिन इसी इतिहास को पांचवें अध्याय में चले जाइए और क्या हुआ वहां पर मालूम है। व्हाट हैपेंड इन द फिफ्थ चैप्टर फर्दर। मेरे भाई, मेरी बहन, ब्रदर, माय सिस्टर, सुलेमान ने 120 लेवी कवय्य नियुक्त किए। 120 द लेवाइट सिंगर्स वर अपॉइंटेड। गीत गाने लग गए। एज दे वर सिंगिंग, इबादत करने लगे। दे वर वर्शिपिंग, स्तुति करने लगे। स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। मैं आपसे कहूं, आई वांट टू टेल यू, ये मंदिर क्या था? व्हाट वाज दिस टेंपल? ये खुदा का मंदिर क्या था? व्हाट वाज द टेंपल ऑफ गॉड? ये खुदा का मंदिर, ये मिलाप वाली जगह थी। द टेंपल ऑफ गॉड वाज द मीटिंग प्लेस। ये तो सब हो गया। It was a meeting place. लेकिन अब प्रैक्टिकल का वक्त आ गया है। But the practical time has come. सोने से मंडवाया, सनोवर की लकड़ी, देवदार की, सब कुछ हो गया। प्रैक्टिकल भी कुछ होना चाहिए ना भैया। Everything was made, everything perfect, but practical things should happen. वचन करूब सब हो गए। Oh, word, the cherubim, everything was there. खजूर हो गया, पता नहीं क्या क्या सुना आज आपने, पूरा मतलब सुनिए, सब हो गया। Everything took place. लेकिन प्रैक्टिकल का टाइम आया। प्रैक्टिकल टाइम came. 120 लेवी गवैया रखे, अच्छा क्वायर रखना जरूरी है। Good choir needs to be there. 120 फाउंडेशन प्रसिद्ध है अपने गीतों के लिए, अलग धुन के लिए, और यू नो वो आत्मिक जज्बा के लिए। फेमस फॉर देयर म्यूजिक, द ट्यून। 120 मेरा मेरा मेरी योजना है कि ऐसा 120 लोगों का कार्यक्रम हम इंडिया गेट पे या तो ताजमहल पर हम जरूर करें। इंडिया गेट और ताजमहल, लाल किला भी चल जाएगा। आप लाइए तो परमिशन। You bring the permission for me, we'll do that. और हमने पुणे के एक किले पर ये कर चुके हैं हम लोग। One of the fort in Pune we have done this. लेकिन उस वक्त 120 नहीं थे। But then 120 people were not there. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। What I'm trying to say, जब वो इबादत करने लगे। And they started worshiping. ये pastors थे, लेवी गवैये थे, याजक थे। They were the priests, the Levites, the singers. हमको सिंगर नहीं चाहिए, हमको पास्टर सिंगर चाहिए। We don't want singer, we want pastor singer. हमको म्यूजिशियन नहीं चाहिए, हमको याजक म्यूजिशियन चाहिए। We don't want musician, but we want pastor musician. यही बाइबल बताती है। What the Bible tells us. कोई है जो कहेगा आमीन, आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। जब वो इबादत करने लगे, When they started worshiping. ये मंदिर क्यों बना था? Why this temple was built? मिलाप के लिए। For meeting. और लिखा है It's written. कि उस परमेश्वर के मंदिर में 120 लेवी गवैये जब इबादत करने लगे, खुदा का तेज, खुदा की महिमा, खुदा की उपस्थिति एक्चुअल में, वाकई में उस मंदिर में, सुलेमान के मंदिर में उतर कर आई, और 120 लेवी याजक पुराने नियम में नीचे गिर गए, वो खड़े नहीं हो पाए। इतनी पावर नया नियम में नहीं, पुराने नियम में परमेश्वर का मंदिर, टेंपल ऑफ गॉड कोई है तो जोरदार ताली बजा कर कहेगा हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। आप सब लोग इंपॉर्टेंट हो, सब लोग महत्वपूर्ण हो, सिर पर हाथ रखेंगे। प्यारे यीशु, मैं दुआ करता हूँ, ये पत्थर है, ओ मेरे
यीशु, इनको तू तराश, तराशने वाले पास्टरों को, अगुओं को तराश। ये दीदार की लकड़ियां है, ये सनोवर की लकड़ियां है, इन पर सुंदर नकाशी कर रहा है, इन पर छेनी हथौड़ा तुझे चलाने देगा। यीशु मसीह के नाम में गए ऊंचे उठाए जाएंगे, तुम्हारा लोग फलेंगे फूलेंगे, लोगों के वचनों की भूख मिटेगा, द्वारा लोगों के पवित्र आत्मा की प्यास बुझेगा। ये चर्च में मेंबर बनने के लिए नहीं, लेकिन ये चर्च में तराशने वाले बनेंगे, जिससे जाति जाति के लोग उद्धार पाएंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। यीशु मैं दुआ करता हूँ, इनको रूप देगा, गिव देम अ शेप, कोई तेरी दिव्य नक्शे में फिट बैठे, तेरी योजना में फिट बैठे, ऐसा ही होने दे। ये वचन में बढ़ेंगे, करुबों के संदेश को वो सुनेंगे, तेरी उपस्थिति में बढ़ेंगे, तेरे साथ रोज मिलाप करेंगे, इनकी खुशबू चारों और मर्यादा के परे पहुंचेगी। एक व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को आशीषित करना है, जो लोग लोहे के जैसे मजबूती के साथ खड़े रहेगा, बड़ी अनुग्रह कृपाओं यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वासी कहेंगे आमीन। आपने प्रभु का वचन सुना, यू हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, मुझे यकीन है, आई बिलीव, ये कोई बढ़िया संदेश के रूप में मैंने ये दे दिया, दिस इज अ बाइटी सर्मन, ये हकीकत है, दिस इज द ट्रूथ, यही परमेश्वर का कलाम कहता है, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। कल और परसों दो और खूबसूरत वचन आपके पास आ रहे हैं, एंड टुमारो एंड आफ्टर टुमारो ब्यूटीफुल वर्ड इज कमिंग टू यू। जानने पहचानने वाले लोग, पुराने लोग जो चर्च में आते थे, अब नहीं आ रहे, लिंक फॉरवर्ड करिए, and you know people, you know them, old people who are not coming to church now, you can just forward the link to them, bhale wo nahi aa rahe, link forward kariye, perhaps not coming but just forward kisi aur church, kisi aur pastor ko link forward kijiye, ye unke church ke bhi kaam aayega, some other pastors you can forward because it will be useful for their church. mujhe to is par kitab likhne chahiye, lekin chaliye video ban gayi meri is pe, I should write a book upon this but at least now a video is made, prabhu ne chaha to iska dusra ek aur bhag, ye wala nahi, दूसरा भाग लेकर मैं आपके पास आऊंगा। Not this part, but one more part. If the Lord wills, I'll bring it to you. ये था परमेश्वर का मंदिर। This was the temple of God. मैं जब बोलूंगा बाद में दूसरा भाग, वो था तुम परमेश्वर के मंदिर। A second part which will be there. You are the temple of God. आप प्रभु के मंदिर हो। You are the temple of God. कभी मौका मिला तो जरूर बोलूंगा। If I get a chance or opportunity, I'll surely preach upon that. चर्च, पॉटर्स हाउस चर्च की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चर्च, पैनमिस्टर पर हाउ चर्च, आई विश यू ऑल, यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम अलैकुम, मतलब प्रभु की शांति आप पर बनी रहेगा। नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, शालोम अलैकुम, एंड लेट द पीस ऑफ गॉड बी विद यू। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हर सुनने वाले देखने वाले विश्वासियों पर आज से लेकर युग के अंत तक लगातार बनी रहे। सब लोग एक साथ कहेंगे आमेन। प्रभु की आशीष आपको मिले। गॉड ब्लेस यू।